द म्युनिसिपैलिटी कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ओनली इफ ऑल द मैप डिजाइन ऑफ एमिनिटीज एंड हैव बीन प्रेजेंटेड दीज फैसिलिटीज हैव बीन डेवलप्ड विद इन द प्रिवेलिंग रूल्स और लॉज के अंदर। म्युनिसिपैलिटी आस्क कर सकती है चेंज के लिए, और एमिनिटीज मीन्स रोड्स, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स, सीवरेज सिस्टम, गैस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एटसेट्रा, ये सब आती है एमिनिटीज में। अब हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर ऑफ कॉलोनीज जो कि डेवलप्ड की जाती है अदर एजेंसीज के द्वारा, इफ परमिशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी से अगर परमिशन लेते हैं बिफोर डेवलपिंग द कॉलोनी, कॉलोनी को डेवलप करने से पहले, एंड द डेवलपमेंट वर्क इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड रूल्स, देन म्युनिसिपैलिटी कैन टेक ओवर द कॉलोनी एंड आफ्टर टेकिंग ओवर ऑल द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कॉलोनी विल बी वेस्टेड होंगी इन म्युनिसिपैलिटी के अंदर। अब पार्ट 12th इसके अंदर अपन देखेंगे म्युनिसिपैलिटी पावर्स एंड ऑफेंसेस। म्युनिसिपैलिटी कंट्रोल ओवर ड्रेन्स, ऑल टाइप्स ऑफ ड्रेन्स विल बी अंडर द म्युनिसिपैलिटी एंड अरेंजमेंट्स विल बी मेड टू कवर ऑल ड्रेन्स एंड नोटिस टू कवर ऑल ड्रेन्स कैन बी गिवन इवन इफ द ओड बाय द समवन एल्स के द्वारा एंड पावर्स फॉर मेकिंग ड्रेन्स। द म्युनिसिपैलिटी कैन मेक न्यू ड्रेन्स एंड ओल्ड वंस, रिपेयर कर सकती है ओल्ड वंस को, इफ द ड्रेन्स पास थ्रू अनदर पर्सन्स लैंड ही कैन कंपनसेट, और ये कंपनसेट कर सकते हैं। इफेक्चुअल ड्रेनेज ऑफ बिल्डिंग, इफ असेंशियल टू हैव इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम एवरी हाउस, द हाउस ड्रेन्स विल बी कनेक्टेड टू द म्युनिसिपल ड्रेन्स एंड लोकेटेड विद इन द रेडियस ऑफ 50 feet। इफ देर इज नो म्युनिसिपल ड्रेन्स विद इन 50 feet देन इट विल बी कनेक्टेड टू द ड्रेन्स डायरेक्टेड बाई की जाती है म्युनिसिपलिटी के द्वारा, और वोलेशन ऑफ दिस सेक्शन इज फाइंड फ्रॉम 2000 से 5000 तक का फाइन किया जा सकता है इसका वोलेशन। अब जैसे कि टेकिंग ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेंटेन एमिनिटीज, एमिनिटीज क्या मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो ये किसकी होंगी, तो इसके अंदर पहला पॉइंट है कि म्युनिसिपैलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है ऑफ मेंटेनिंग ओनली इफ ऑल द मैप्स, सारे के सारे मैप्स डिजाइन ऑफ एमिनिटीज एटसेट्रा हैव बीन प्रेजेंटेड किए गए हैं एंड फैसिलिटीज हैव बीन डेवलप्ड विद इन प्रिवेलिंग रूल्स, और फैसिलिटीज जो कि डेवलप की गई है प्रिवेलिंग रूल्स और लॉज के अंदर। दूसरा, म्युनिसिपैलिटी आस्क कर सकती है फॉर चेंज, म्युनिसिपैलिटी आस्क फॉर चेंज एंड एमिनिटीज मीन्स रोड, एमिनिटीज का मतलब है जैसे कि रोड हुआ, ड्रेनेज हुआ, स्ट्रीट लाइट हुई, सीवरेज सिस्टम हुआ, गैस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुआ एटसेट्रा इसके अंदर आते हैं। अब हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर कॉलोनीज जो कि डेवलप्ड की जाती है बाय द अदर एमिनिटीज के द्वारा, इफ अगर परमिशन देते हैं, इफ परमिशन हैज़ बीन टेकन बाय द म्युनिसिपैलिटी के द्वारा ली गई है बिफोर डेवलपिंग द कॉलोनी एंड डेवलपमेंट वर्क इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और जो कि डेवलपमेंट वर्क होगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ होगा, विद द लॉ एंड रूल्स देन म्युनिसिपैलिटी कैन टेक ओवर द कॉलोनी, कॉलोनी ले सकती है। दूसरा, आफ्टर टेकिंग ओवर ऑल द राइट्स एंड लाइबिलिटीज, आफ्टर टेकिंग ओवर ऑल द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कॉलोनी
will be vested in the municipality, vested in the municipality. Municipal control over drains, drains के ऊपर municipal control. तो इसके अंदर क्या होगा कि all types of drains will be under the municipality. सारे drains होंगे municipality के अंदर में. दूसरा, arrangements will be made to cover all drains. और arrangements किए जाएंगे cover करने के लिए all drains को. तीसरा, and notice to cover the drains can be given if it is owned by someone else. एक नोटिस दिया जाएगा अगर उसको ओन किया जाता someone else, owned by someone else के द्वारा. अ पावर फॉर मेकिंग ड्रेन्स कौन कौन से हैं एटसेट्रा. पावर है कि म्यूनसिपल्टी कैन मेक न्यू ड्रेन्स और रिपेयर कर सकती है ओल्ड को. म्यूनसिपल्टी नए ड्रेन्स को बना सकती है और रिपेयर कर सकती है ओल्ड वंस को. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये है कि इफ़ ड्रेन्स पास थ्रू अनदर पर्सनस लैंड, अगर किसी दूसरे पर्सन के लैंड से ड्रेन पास हो रहे हैं तो उसके अंदर वो कंपनसेट भी दे सकती है. अब इफेक्चुअल ड्रेनेज ऑफ बिल्डिंग्स. इफेक्चुअल ड्रेनेज ऑफ बिल्डिंग्स क्या है? इट इज़ असेंशियल टू हैव इफेक्टिव इफेक्चुअल ड्रेनेज. भाई इफेक्टिव ड्रेनेज चाहिए, ये असेंशियल है. ठीक है. सिस्टम ऑफ एवरी हाउस. सिस्टम ऑफ एवरी हाउस के अंदर एवरी हाउस एंड द हाउस ड्रेन्स विल बी कनेक्टेड टू द म्यूनसिपल ड्रेन. म्यूनसिपल ड्रेन्स और जो कि हाउस की जो ड्रेन्स हैं विल बी कनेक्टेड टू द हाउस ड्रेन्स विल बी कनेक्टेड टू द म्यूनसिपल ड्रेन्स. म्यूनसिपल ड्रेन्स लोकेटेड विद इन रेडियस ऑफ 50 फीट, जो कि लोकेटेड है विद इन रेडियस ऑफ 50 फीट की रेडियस के अंदर में. इफ देर इज नो म्यूनसिपल ड्रेन्स विद इन 50 फीट, अगर कोई भी 50 फीट के अंदर म्यूनसिपल ड्रेन नहीं है, 50 भी नहीं है, देन इट विल बी कनेक्टेड. इट विल बी कनेक्टेड टू द रेडियस टू द ड्रेन डायरेक्टेड बाई म्यूनसिपल्टी. और ये कनेक्ट की जाएगी म्यूनसिपल्टी से जिसके अंदर डायरेक्ट किया जाएगा म्यूनसिपल्टी के द्वारा. ठीक है. इफ वोइलेशन, अगर वोइलेशन होता है ऑफ सेक्शन कैन बी फाइन किया जा सकता है उसको 2000 से लेके 2000 टू 5000 तक का उसको फाइल किया जा सकता है. अब आता है अपना राइट ऑफ ओनर्स एंड ऑक्यूपेशन ऑफ बिल्डिंग्स लैंड टू ड्रेन्स इनटू म्यूनसिपल ड्रेन्स के अंदर. लैंड ओनर कैन कनेक्ट द ड्रेन्स बिल्डिंग्स विद द म्यूनसिपल ड्रेन्स के साथ में आफ्टर टेकिंग रिटन परमिशन फ्रॉम द म्यूनसिपल्टी से लेकर. सीवेज रेन वाटर ड्रेन्स टू बी डिस्टिंक्ट सेपरेट ड्रेन्स विल बी मेड फॉर रेन वाटर एंड वेस्ट मटीरियल ऑफ ईच बिल्डिंग एंड विच विल बी कनेक्टेड विद रेस्पेक्टिव टू ड्रेन्स ऑफ म्यूनसिपल्टी. आई हैव राइट टू कैरी ड्रेन्स थ्रू लैंड एंड ड्रेन बिलोंगिंग टू द पर्सन. इफ इट इज नॉट पॉसिबल अदरवाइज म्यूनसिपल्टी में अलाउ कर सकती है द पाइप टेकन फ्रॉम द अदर्स लैंड एंड रेंट कैन बी पेड टू द ओनर ऑफ द लैंड. ऑल डेवलपमेंट वर्क विल बी डन बिटवीन सनराइज और सनसेट के बीच में होंगे. वर्क हाउ टू बी कैरिड आउट टू एंश्योर मिनिमम लॉस ड्यूरिंग द वर्क दैट प्लेस हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन एंड द लैंड ओनर कैन बी कंपनसेट फॉर द लॉस. उसके लॉस के लिए कंपनसेट किया जाएगा. अब राइट ऑफ ओनर और लैंड थ्रू ड्रेन्स आर कैरिड इन रिगार्ड टू द सब्सिक्वेंट बिल्डिंग और देयर ओन. लैंड ओनर जो कैन अप्लाई कर सकता है कंस्ट्रक्शन के लिए और म्यूनसिपल्टी विल आस्क करेगी रिमूव करने के लिए ड्रेन्स को फ्रॉम गिविंग अ नोटिस. द पर्सन हुज बेनिफिट इन बेनिफिट द ड्रेन्स वर मेड ऑल द एक्सपेंसेस विल हैव टू बी पेड बाई दे. उसके द्वारा पे किया जाएगा. अब प्रोविजन्स और प्रिविसेस. म्यूनसिपल्टी कैन अलाउ एनी बिल्डिंग ओनर टू कंस्ट्रक्ट करने के लिए टॉयलेट सीवरेज फ्लैश टॉयलेट्स एंड अबव इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन
फ्रॉम वेयर द मोर देन 20 पीपल वर्क करते हैं एंड वेस्ट मटेरियल ऑफ टॉयलेट्स कैन नॉट बी फ्लश्ड इन टू ड्रेन्स एंड फॉर कंटेम्प्ट 2,000 से 5,000 तक का फाइन लगाएंगे. इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 month से 2 month तक का करेंगे एंड बोथ भी इम्पोज किए जा सकते हैं. टॉयलेट शुड बी कम्प्लीटली कवर्ड होंगे विद द वॉल और सीलिंग गेट्स के साथ में. ठीक है, तो इसके अंदर अपन देखा भाई राइट ऑफ ओनर्स और ऑक्यूपायर्स ऑफ बिल्डिंग्स और लैंड्स टू ड्रेन इन टू म्यूनसिपल ड्रेन्स के अंदर कौन कौन से होंगे. द लैंड ओनर, जो भी लैंड ओनर होगा वो कनेक्ट कर सकता है, कैन कनेक्ट कनेक्ट द ड्रेन्स ऑफ बिल्डिंग ऑफ द बिल्डिंग विद म्यूनसिपल ड्रेन्स विद म्यूनसिपल ड्रेन्स आफ्टर टेकिंग रिटर्न परमिशन. रिटर्न परमिशन लेके फ्रॉम म्यूनसिपलिटी. अब सीवेज और रेन वाटर ड्रेन्स टू बी डिस्टिंक्ट. सीवेज और रेन वाटर ड्रेन्स अलग अलग होनी चाहिए. सेपरेट ड्रेन्स विल बी मेड. सेपरेट ड्रेन्स विल बी मेड की जाएंगी फ्रॉम रेन वाटर. रेन वाटर फॉर वेस्ट मटीरियल. मटीरियल इन ईच बिल्डिंग. विच विल बी कनेक्टेड टू रेस्पेक्टिव ड्रेन्स ऑफ म्यूनसिपलिटी. जो कि कनेक्टेड है रेस्पेक्टिव ड्रेन्स ऑफ म्यूनसिपलिटी से. अब राइट टू कैरी ड्रेन्स थ्रू लैंड एंड इन टू ड्रेन्स बिलोंगिंग टू द अदर पर्सन. इफ इट इज नॉट पॉसिबल अदरवाइज द म्यूनसिपलिटी क्या करेगी, मे अलाउ करेगी द पाइप टू बी टेकन फ्रॉम अदर्स लैंड एंड रेंट कैन बी पेड टू ओनर्स लैंड. रेंट कैन बी पेड टू ओनर्स लैंड. ठीक है. दूसरा, ओल्ड डेवलपमेंट वर्क विल बी डन बिटवीन सनराइज और सनसेट. और ओल्ड जो कि डेवलपमेंट वर्क है वो किया जाएगा किस में, सनराइज के अंदर और सनसेट के अंदर. वर्क हाउ टू बी कैरिड आउट. वर्क कैसे कैरिड आउट किया जाएगा. टू एंश्योर मिनिमम लॉस ड्यूरिंग द वर्क दैट प्लेस हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन. ओरिजिनल पोजिशन के ऊपर जाना चाहिए वापस से. एंड द लैंड ओनर कंपनसेट किया जाएगा, कंपनसेट करेंगे जो भी लॉस हुआ है उसके लिए. राइट ऑफ ओनर्स लैंड. राइट ऑफ ओनर ऑफ लैंड थ्रू विच ड्रेन्स आर कैरिड इन रिगार्ड टू द सब्सिक्वेंट बिल्डिंग देयर ओन. अब लैंड ओनर कैन अप्लाई द फॉर कंस्ट्रक्शन. फॉर कंस्ट्रक्शन और द म्यूनसिपलिटी विल बी आस्क्ड टू रिमूव द ड्रेन्स बाय गिविंग अ नोटिस. और म्यूनसिपलिटी आस्क करेंगे कि रिमूव करने के लिए ड्रेन्स नोटिस देके. दूसरा पॉइंट, द पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द ड्रेन्स वर मेड
पर्सन जिसके बेनिफिट पे ट्रेन्स को बनाई गई है। ऑल एक्सपेंसेस विल हैव टू बी पेड बाय हिम, और ऑल एक्सपेंसेस सारे एक्सपेंसेस पेड किए जाएंगे उसके द्वारा। प्रोविजंस ऑफ प्रिविसेस, अब म्यूनसिपलिटी, म्यूनसिपलिटी इसके अंदर अलाउ करती है एनी बिल्डिंग ओनर ओनर टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट, सीवरेज, फ्लैश टॉयलेट्स और अबव इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन प्लेसेस वेयर द 20 पीपल वर्क करते हैं, 20 पीपल वर्क। दूसरा, द वेस्ट मटेरियल ऑफ टॉयलेट्स कैन नॉट बी फ्लश्ड इनटू ड्रेन, और जो कि वेस्ट मटेरियल होगा टॉयलेट्स का वो फ्लश नहीं किया जाएगा ड्रेन्स के अंदर, ठीक है। फोर कंटेम्प्ट, और इसके अगर कंटेम्प्ट करता है तो उसको 2000 से लेके 5000 तक का उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, और इम्प्रिजमेंट किया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा 1 मंथ से 2 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा, और बोथ भी कर सकते हैं। तीसरा, इसके अंदर क्या होगा, टॉयलेट्स विल बी कम्प्लीटली कवर्ड विद वॉल और सीलिंग के साथ में, शुड बी कम्प्लीटली कवर्ड किया जाएगा विद वॉल और सीलिंग के साथ में, गेट के साथ। इरेक्शन ऑफ लेटरिन एंड यूरिनल इन फैक्ट्रीज, स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस पर। इंस्ट्रक्शन कैन बी गिवन टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स एंड कीप द अबव प्लेसेस क्लीन। इंस्ट्रक्शंस में बी गिवन टू मेक सेपरेट टॉयलेट्स फॉर वुमेन एंड मैन। इसे कंटेम्प्ट करने वाले को 10,000 से 20,000 तक की सज़ा मिलेगी। कॉस्ट ऑफ अल्टरिंग, रिपेयरिंग एंड कीपिंग द प्रॉपर ऑर्डर प्रीविसेस। द पर्सन बाय होम कंस्ट्रक्शन इज डन विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड कैन बी इंटरेस्टेड टू सेट डाउन इफ नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली। पावर टू क्लोज एग्जिस्टिंग प्राइवेट ड्रेन्स, आफ्टर प्रॉपर मैनेजमेंट द म्यूनसिपैलिटी कैन डायरेक्ट द क्लोजर ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रेन्स। सच ड्रेन्स कैन बी म्यूनसिपल लैंड और प्राइवेट प्लेसेस ऑल्सो। पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ सीवर्स एंड कंस्ट्रक्टेड इन द अनऑथराइज्ड मैनर एंड रिब्यूल्ड अनस्टॉप्ड। By giving notice, municipality may ask for such system to be destroyed and modified or changed. Contempt can be fined from 1,000 से 2,000 रुपये तक का। Encroachment of municipal drains. Fine up to 1,000 can be imposed encroachment, और उसको भी तोड़ा जा सकता है। Inception of drains. इंसेप्शन कैन बी डन बाई म्यूनसिपल्टी बिटवीन सनराइज एंड इंस्पेक्शन, सनराइज और सनसेट के बीच में ही होगा। इन दिस रिगार्ड म्यूनसिपल्टी कैन ऑल्सो गेट एक्सकेवेशन डन एंड इफ फाउंड करेक्ट म्यूनसिपल्टी विल बियर इट इट्स ओन कॉस्ट के ऊपर, और इफ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इज फाउंड द म्यूनसिपल्टी विल रिकवर 110% ऑफ कॉस्ट। Power of municipality to execute certain works without allowing owner to do so. अब हम देखते हैं erection of latrines and urines in factories, school and public places. अब जैसे कि सबसे पहले instructions दिए जाते हैं construct करने के लिए टॉयलेट्स को, एंड कीप द अबव प्लेसेस क्लीन,
clean. Instructions may be given to separate toilets from women and men. Instructions may be given to make separate toilets for women and men. और जो भी इसका कंटेम्प्ट करेगा उसको 10,000 से 20,000 तक की सज़ा मिलेगी. अब कॉस्ट ऑफ अल्टरिंग रिपेयरिंग और कीपिंग द प्रायर ऑर्डर ऑफ प्रीविसेस. तो इसके अंदर क्या होगा कि पर्सन जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा. एंड कैन बी इंटरेस्टेड टू सेट डाउन इफ़ मेंटेन्ड प्रॉपरली, इफ़ नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली. तो उसको सेट डाउन भी कर सकते हैं अगर वो मेंटेन नहीं करता है प्रॉपरली. अ पावर टू क्लोज एग्जिस्टिंग प्राइवेट ड्रेन्स. एग्जिस्टिंग प्राइवेट ड्रेन्स को बंद करने की पावर किसके पास है? आफ्टर प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट के बाद में द म्यूनसिपलिटी कैन डायरेक्ट द क्लोजर ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रेन्स, such drains can be in municipal land, or private places also. ठीक है. A power in respect of sewer एटसेट्रा कंस्ट्रक्टेड इन अनऑथराइज्ड मैनर के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया है और रिब्यूल्ड और अनस्टॉप्ड किया गया है. By giving notice, the municipality may ask for such system to be destroyed and modified or changed. Notice देके municipality के द्वारा ऐसे system को destroyed किया जा सकता है, modified किया जा सकता है और change किया जा सकता है. और इसका जो कंटेम्प्ट होगा वो फाइंड होगा कहाँ से? 1,000 से 2,000 तक का. अब एनक्रोचमेंट ऑन म्यूनसिपल ड्रेन्स एटसेट्रा. अब एनक्रोचमेंट के अंदर फाइन अप टू 1,000 कैन बी इम्पोज. एनक्रोचमेंट कैन बी ब्रोकन. इंस्पेक्शन ऑफ ड्रेन्स. सबसे पहले इंस्पेक्शन कैन बी डन बाई म्यूनसिपलिटी बिटवीन सनराइज एंड सनसेट. इंस्पेक्शन सनराइज और सनसेट के बीच में ही होगा. और इन दिस रिगार्ड म्यूनसिपलिटी कैन गे ऑल्सो गेट द एक्सकेवेशन डन. और इसके अंदर म्यूनसिपलिटी एक्सकेवेशन डन भी कर सकती है सनराइज और सनसेट के बीच में. इफ फाउंड करेक्ट, अगर वो उसको सही मिलता है, म्यूनसिपलिटी विल बियर इट्स ओन कॉस्ट. तो अगर उसको करेक्ट मिलता है तो म्यूनसिपलिटी खुद के कॉस्ट पे होगा, ओन कॉस्ट पे. और इफ अनऑथराइज होता है, तो म्यूनसिपलिटी 110% वसूलेगी. अब पावर ऑफ म्यूनसिपलिटी टू एग्जीक्यूट सर्टेन वर्क्स विदाउट अलाउिंग ओनर टू डू सो. तो कुछ वर्क है जो कि अलाउ कर सकती है और ओनर को पता चलने की बजाय, जैसे कि विदाउट अलाउिंग ओनर, ओनर को नहीं कर दे सकती. जैसे कि सबसे पहले आपने म्यूनसिपलिटी है, म्यूनसिपलिटी कैन गेट सम वर्क डन, जैसे कि बाई इट्सेल्फ, एंड कैन गेट बिल्डिंग ओनर बैंड फॉर दीज वर्क्स. और बिल्डिंग का जो ओनर है उसको भी बैन कर सकती है इन वर्क्स के लिए.
म्युनिसिपलिटी कैन गेट सम वर्क्स डन बाय इटसेल्फ एंड बिल्डिंग ओनर को भी मना बैन कर सकती है कुछ वर्क्स के लिए। दूसरा, फिर 110% ऑफ कॉस्ट कैन बी रिकवर्ड होगा ओनर से इफ़ द वर्क डन बाय द म्युनिसिपलिटी इफ़ द वर्क इज़ डन बाय द म्युनिसिपलिटी एट इट्स ओन कॉस्ट देन ऑल द इक्विपमेंट्स एंड पाइप्स एटसेट्रा विल बी कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ म्युनिसिपलिटी। अगर म्युनिसिपलिटी काम करेगी तो वो 110% कॉस्ट रिकवर करेगी ओनर से, और अगर वो नहीं करती ऐसा तो उसके बाद में अगर वो खुद के कॉस्ट पर करती है तो वो प्रॉपर्टी फिर म्युनिसिपलिटी की मानी जाएगी। पावर ऑफ केयरिंग वाटर वाटर मेन्स एंड द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट और म्युनिसिपलिटी ऑफ गवर्नमेंट कैन डू ऑल द वर्क इन दिस रिगार्ड। इस रिगार्ड के अंदर सारे वर्क कर सकते हैं। अब स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द ट्रेड एफ्लुएंट, स्पेशल प्रोविजन किए जाएंगे ट्रेड एफ्लुएंट को बचाने के लिए, जैसे कि डिस्पोजल विदाउट परमिशन ऑफ म्युनिसिपलिटी एंड द म्युनिसिपलिटी कैन गिव डायरेक्शंस टू स्टॉप द डिस्पोजल एंड म्युनिसिपलिटी में डायरेक्ट इंस्टॉलेशन ऑफ प्योरिफिकेशन इक्विपमेंट के लिए। अब स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग ड्रेनेज एंड ड्रेनेज ऑफ ट्रेड एफ्लुएंट, इसके अंदर सारे प्रोविजन होंगे सेम एज इन सेक्शन 217 के अंदर। अब बिल्डिंग रेलवे प्राइवेट स्ट्रीट्स नॉट टू बी इरेक्टेड एंड कंस्ट्रक्टेड ओवर वाटर मेन्स एंड ऑन म्युनिसिपल ड्रेन्स विदाउट परमिशन। प्राइवेट बिल्डिंग रोड रेलवे लाइन एटसेट्रा कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, नहीं की जा सकती ओवर वाटर मेन्स के ऊपर विदाउट किसी भी प्रायर परमिशन के बिना। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन टू बी इन्फॉर्म्ड इन सर्टेन केसेस के अंदर, इफ ड्रेनेज और अदर वर्क इज टू बी डन फ्रॉम बिलो रेलवे लाइन द बोर्ड विल इन्फॉर्म करेगा मेंटेन द मेन एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इसके अंदर लिखा था कि जैसे कि म्युनिसिपलिटी कुछ वर्क के लिए इट सेल्फ कैन गेट बिल्डिंग ओनर और बैन कर सकती है वर्क्स के लिए, और अगर वो काम करती है खुद 110% वसूलेगी किससे, ओनर से, और अगर वो खुद की कोर्ट्स पे करती है इट्स ओन कॉस्ट के ऊपर तो वो प्रॉपर्टी होगी किसकी, म्युनिसिपलिटी की। अब पावर ऑफ केयरिंग वाटर मेन्स, पावर ऑफ केयरिंग वाटर मेन्स द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट और म्युनिसिपलिटी ऑफ गवर्नमेंट कैन डू ऑल द वर्क इन दिस रिगार्ड। द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट और म्युनिसिपलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कैन डू ऑल द वर्क इन दिस रिगार्ड। स्पेशल प्रोविजन्स रिलेटिंग टू द ट्रेड एफ्लुएंट से रिलेटेड क्या क्या स्पेशल प्रोविजन्स है। सबसे पहला, इसके अंदर सीवेज कैन नॉट बी डिस्पोज विदाउट परमिशन ऑफ म्युनिसिपलिटी, सीवेज कैन नॉट बी डिस्पोज विदाउट परमिशन ऑफ म्युनिसिपलिटी। The municipality can give directions to stop disposal. Municipality can give directions to stop the disposal. तीसरा, municipality may direct कर सकती installation of purification equipment. प्योरिफिकेशन इक्विपमेंट 2018 के अंदर स्पेशल प्रोविजन किए गए थे रिगार्ड ड्रेनेज ऑफ ट्रेड एफ्लुएंट के लिए। ऑल द प्रोविजन सेल बी सेम एज इन सेक्शन 217 के अंदर, जैसे कि है वैसे ही है सेम इसके अंदर। अब बिल्डिंग रेलवेज एंड प्राइवेट स्ट्रीट्स नॉट इरेक्टेड एंड कंस्ट्रक्टेड
ओवर वाटर मेंस एंड म्यूनसिपल ड्रेन्स विदाउट परमिशन के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि प्राइवेट है, प्राइवेट बिल्डिंग है, रोड है, रेलवे लाइन है एट्सेट्रा, उनको कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता और वाटर मेंस के ऊपर से बिना कोई प्रायर परमिशन के। चाय की थड़ी वाले जैसे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन टू बी इन्फॉर्म्ड इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस हैं जिनके अंदर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया जाएगा इफ ड्रेनेज और अदर वर्क इज डन फ्रॉम बिलो रेलवे लाइन किया जाता है, देन बोर्ड विल इन्फॉर्म करेगा टू मेन एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करेगा। अब पावर ऑफ ओनर ऑफ प्रीमिसेस टू प्लेस पाइप्स ड्रेन्स थ्रू लैंड बिलोंगिंग टू अदर पर्सन्स, सेक्शन 1205 के अंदर दे रखा है। पावर ऑफ चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर टू एग्जीक्यूट वर्क आफ्टर गिविंग नोटिस टू पर्सन लाइबल, CMO कैन गेट वर्क डन अंडर सेक्शन 221 के अंदर बाय गिविंग नोटिस देके। वर्क टू बी डन बाय लाइसेंस प्लम्बर एक्सेप्ट द माइनर वर्क, ऑल वर्क विल बी डन बाय द लाइसेंस प्लम्बर ओनली, म्यूनसिपलिटी कैन मेक रूल्स और द लाइसेंस ड्यूटीज ऑफ प्लम्बर। प्रोहिबिटेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, नो पर्सन सेल ऑब्स्ट्रैक्ट और अल्टर एनी पब्लिक म्यूनसिपल प्रॉपर्टी, स्ट्रीट लाइट, वाटर सप्लाई, सीवरेज लाइन एंड द वेस्ट ऑफ डेयरी एंड एनिमल हजबेंड्री फार्म्स सेल नॉट बी डम्प्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन ड्रेन्स एंड सीवरेजेज एंड वर्क रिलेटेड टू कंटेमिनेटिंग वाटर विल नॉट बी डन, और कंटेमिनेटिंग वाटर से रिलेटेड भी नहीं किए जाने चाहिए। एंड टू स्टेड ऑफ द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सीवरेज वर्क, बिलिंग एंड कलेक्शन ऑफ सीवरेज चार्जेस। ठीक है, द मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क जो कि सीवरेज कैन बी डन इन प्राइवेट एजेंसी एंड द वर्क कंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी ऑफ सीवरेजेस ऑल्सो गिवन दिए जाएंगे उनको। अब ड्यूटी ऑफ म्यूनसिपलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और उससे हैंडलिंग करने के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर हैज बीन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया और अंडर विच म्यूनसिपलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलर डोर और डोर गार्बेज कलेक्शन फ्रॉम ईच हाउस होल्ड से और हैंडलिंग मैनेजमेंट वेस्ट ऑफ होटल रेस्टोरेंट एंड कमर्शियल एरिया एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि वेस्ट ऑफ मीट एंड फिश स्लॉटर हाउस और वेजिटेबल मार्केट। अ पावर ऑफ द ओनर प्रीमिसेस प्लेस पाइप्स एंड ड्रेन्स थ्रू लैंड बिलोंगिंग टू अदर पर्सन्स जो भी हैं, तो ऑल द प्रोविजन शैल बी सेम इन सेक्शन 205। सेम होंगे सेक्शन 205 के अंदर। पावर ऑफ द चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर टू बी एग्जीक्यूट करेंगे वर्क आफ्टर गिविंग नोटिस टू पर्सन लाइबल, CMO कैन गेट वर्क डन अंडर सेक्शन 221 के अंदर काम करेगा नोटिस देकर। वर्क टू बी डन बाय लाइसेंस प्लम्बर, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर माइनर वर्क्स, एक्सेप्ट फॉर माइनर All work will be done by licensed plumber only. अब आता है municipality can make rules
The license duties of plumbers. The license duties of plumber. एट्सेट्रा. प्रोहिबिटेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स. प्रोहिबिटेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स के अंदर होगा कि कोई भी पर्सन सेल नोट कंस्ट्रक्ट करेगा और अल्टर करेगा पब्लिक म्यूनसिपल प्रॉपर्टी को. कोई भी पर्सन अल्टर भी नहीं करेगा और ऑब्स्ट्रक्ट भी नहीं करेगा म्यूनसिपल की प्रॉपर्टी को. जैसे कि स्ट्रीट हुई, स्ट्रीट लाइट हुई, वाटर सप्लाई लाइन हुई, सीवरेज लाइन हुई एट्सेट्रा. ठीक है. और जैसे कि द वेस्ट ऑफ डेयरी, वेस्ट ऑफ डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री फार्म्स सेल नोट भी डम्प्ड नहीं किए जाएंगे प्लास्टिक बैग्स के अंदर इन ड्रेन्स, ड्रेन्स के अंदर, प्लास्टिक बैग्स के अंदर और सीवरेजेस के अंदर. वर्क रिलेटेड कंटेमिनेटिंग वाटर विल नॉट बी डन. और वर्क्स जो कि रिलेटेड हैं कंटेमिनेटिंग वाटर से वो नहीं किए जा सकते, विल नॉट बी डन. एंड टू स्टेट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सीवरेजेज वर्क्स एंड बिलिंग कनेक्शन सीवरेजेज चार्जेज, कनेक्शन चार्जेज किएंगे. तो मेंटेनेंस और रिपेयर, मेंटेनेंस एंड रिपेयर करेंगे वर्क्स ऑन सीवरेजेज कैन बी गिवन प्राइवेट एजेंसी. प्राइवेट एजेंसी के द्वारा एट द वर्क कंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी ऑफ सीवरेज कैन बी गिव कैन ऑल्सो बी गिवन. द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी ऑफ सीवरेज कैन ऑल्सो बी गिवन. ड्यूटी ऑफ म्यूनसिपलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग, उसके लिए क्या ड्यूटी होगी. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कि हैज़ बीन मेड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, अंडर विच म्यूनसिपलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलर डोर टू डोर गारबेज. म्यूनसिपलिटी रिस्पॉन्सिबल है रेगुलर डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन के लिए फ्रॉम ईच हाउस होल्ड, हैंडलिंग मैनेजमेंट वेस्ट फ्रॉम होटल रेस्टोरेंट कमर्शियल एरिया, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि वेस्ट ऑफ मीट, फिश स्लॉटर हाउस वेजिटेबल मार्केट एट्सेट्रा. अब जैसे कि एंड टू स्टेट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग सॉलिड वेस्ट बाय बिलिंग कनेक्शन चार्जेस. म्यूनसिपलिटी एंड टू स्टेट है अब वर्क के अंदर प्राइवेट एजेंसी के द्वारा टू प्राइवेट एजेंसी एंड म्यूनसिपलिटी कैन मेक रूल्स इन दिस रिगार्ड के अंदर रूल भी बना सकती है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टू बी प्रॉपरली म्यूनसिपल प्रॉपर्टी ऑफ म्यूनसिपलिटी होगी. सॉलिड वेस्ट जैसे कलेक्टेड कर लिया जाता है म्यूनसिपलिटी के द्वारा कंसिडर किया जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ म्यूनसिपलिटी. देयरफॉर म्यूनसिपलिटी कैन डिस्पोज कर सकती है वेस्ट एनी वे. अब अपॉइंटमेंट ऑफ प्लेसेज एंड डिस्पोजिबल ऑफ फाइनल डिस्पोजल सॉलिड वेस्ट के अंदर म्यूनसिपलिटी डिटरमाइन करेगी प्लेसेस ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड आउटसाइड द एरिया एंड लैंड यूज कैन रूल्स एंड कैन नॉट बी वायलेटेड एंड द मेथड ऑफ फाइनल डिस्पोजल शुड बी एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा होंगे. एंड ड्यूटी ऑफ ओनर्स एंड ऑक्यूपायर्स प्रमिसेस स्टोर और वेस्ट सोर्सेज को जनरेट किए जाएंगे. रेगुलर क्लीनिंग प्रमिसेस एंड कीपिंग द सेपरेट डिस्टर्बेंस फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए एंड रिसाइकल वेस्ट के लिए गार्बेज कंटेनिंग हार्मफुल सब्सटेंस एंड क्लीनिंग अप ऑफ ट्रैश कैंस एंड ड्यूटी ऑफ द ऑक्यूपायर और ओनर की ड्यूटी है वो.
ठीक है। अब एंटो स्टेट ऑफ मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग द सॉलिड वेस्ट एंड बिलिंग कलेक्शन चार्जेस के लिए, अब इसके अंदर क्या होगा, म्यूनसिपलिटी, इसके अंदर एंट्रस्ट है, अबव वर्क के लिए वाई द प्राइवेट एजेंसी को दे सकती है और उसके लिए वो रूल्स भी बना सकती है इस काम के लिए। सॉलिड वेस्ट और प्रॉपर्टी म्यूनसिपलिटी के द्वारा, सॉलिड वेस्ट जो कि कलेक्टेड कर लिया जाता है म्यूनसिपलिटी के द्वारा, वो कंसिडर की जाएगी प्रॉपर्टी म्यूनसिपलिटी की, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो कि देयर फॉर म्यूनसिपलिटी अगर उसको डिस्पोज करना चाहे तो उसको एनी वे कैसे भी डिस्पोज कर सकती है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्लेसेज फॉर डिस्पोजल ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। अब द म्यूनसिपलिटी मे डिटरमाइन प्लेसेस ऑफ फाइनल डिस्पोजिबल, म्यूनसिपलिटी डिटरमाइन कर सकती है प्लेसेस ऑफ फाइनल डिस्पोजिबल, ठीक है, और आउटसाइड उसके एरिया के बाहर भी कर सकती है। सेकेंड, बट लैंड यूज रूल्स कैन नॉट बी वोलेटेड, जो लैंड यूज रूल्स हैं उसको वोलेट नहीं करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है द मेथड ऑफ फाइनल डिस्पोजेबल शुड बी एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, और जो फाइनल डिस्पोजेबल होगा वो एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा होगा। ड्यूटी ऑफ ओनर एंड ऑक्यूपायर प्रीमिसेस टू स्टोर सॉलिड वेस्ट एंड सोर्स ऑफ जनरेशन के लिए, ठीक है। अब जैसे कि रेगुलर क्लीनिंग ऑफ प्रीमिसेस, कीपिंग सेपरेट डस्टबिन्स रखेंगे फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, ठीक है, और रिसाइकलिंग किए जाएंगे वेस्ट और गारबेज करेंगे कंटेनिंग, ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंस, और दूसरा क्लीनिंग अप करेंगे द ट्रैश कैंस इज द ड्यूटी ऑफ ओनर और ऑक्यूपायर की ड्यूटी है वो। ड्यूटी ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अपार्टमेंट ओनर और एसोसिएशन एटसेट्रा, इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ अपार्टमेंट एटसेट्रा टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर कलेक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ ऑल रेसिडेंट्स टूगेदर एंड टू मेक अरेंजमेंट्स ऑफ फोर सेपरेट कंटेनर्स के लिए एंड फोर डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट के लिए। प्रोहिबिटेशन, ठीक है, प्रोहिबिटेशन के अंदर देखेंगे अपन डंपिंग गारबेज इन पब्लिक प्लेसेज ओपन लैंड एटसेट्रा, स्प्रेडिंग द हेटफुल सब्सटेंसेज इन पब्लिक प्लेसेज एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ डेड एनिमल्स एटसेट्रा इज प्रोहिबिटेड किए जाएंगे। तो इसके अंदर अपन ने क्या देखा, ड्यूटी क्या है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अपार्टमेंट ओनर और एसोसिएशन एटसेट्रा इनकी क्या ड्यूटी है। इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर, ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ अपार्टमेंट्स की लिए कि अपार्टमेंट्स के अंदर अरेंजमेंट्स करेगा कलेक्शन ऑफ वेस्ट के लिए फ्रॉम ऑल हाउसेस, सारे हाउसेस से, और इसके अंदर करेगा द रेसिडेंट जो हैं वो टुगेदर कैन मेक अरेंजमेंट्स कर सकते हैं फॉर सेपरेट कंटेनर के लिए फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट के लिए। अब प्रोहिबिटेशन के अंदर क्या होगा कि डंपिंग करेगा गारबेज पब्लिक प्लेसेस पे, ओपन लैंड पे और रोड पे एटसेट्रा। दूसरा, इसके अंदर स्प्रेडिंग करेगा हेटफुल सब्सटेंसेस पब्लिक प्लेस पे एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ डेड एनिमल्स एटसेट्रा इज प्रोहिबिटेड, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ डेड एनिमल्स को प्रोहिबिटेड किया जाएगा।
ठीक है, पनिशमेंट फॉर लिटरिंग ऑन स्ट्रीट्स एंड डिस्पोजिंग थ्रोइंग एनी सॉलिड वेस्ट, 500 रुपये तक का फाइन इम्पोज किया जाएगा। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अबव शैल बी द ड्यूटी ऑफ द म्यूनसिपलिटी, होगी अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ अबव शैल बी द ड्यूटी ऑफ म्यूनसिपलिटी, होगी अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। अब परमिशन नेसेसरी चाहिए फॉर सर्टेन प्रोजेक्शंस के लिए। नो पर्सन शैल टेक आउट हिज बिल्डिंग टूवर्ड्स द पब्लिक रोड्स, हाउएवर द म्यूनसिपलिटी मे गिव सच परमिशन और पब्लिक कन्वीनियंस के लिए, एंड म्यूनसिपलिटी इम्पोज करती है फाइन 5,000 से 10,000 तक का वोलेशन के लिए। अब कंस्ट्रक्शन में भी आस्क किया जा सकता है कि रिमूव करने के लिए और चेंज करने के लिए, और कंटिन्यूएशन अगर वो करता है कंटरवेंशन टू अट्रैक्ट फाइन करेगा 500 से 100 रुपये तक का पर डे। इफ़ द कंस्ट्रक्शन इज रिमूव्ड बाय द म्यूनसिपलिटी द अप्रूवल हैज़ बीन गिवन अर्लियर एंड देन द ओनर विल बी कंपनसेट किया जाएगा। अब ट्रब्स एंड पाइप्स फॉर रेन वाटर के लिए, एवरी लैंड ओनर विल बी मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स एंड पाइपलाइंस फॉर द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रेन वाटर। नो पर्सन शैल थ्रो द रेन वाटर इन पब्लिक रोड्स एंड वॉयलेशन कैन बी फाइन किया जाएगा 1,000 से 2,000 तक का। प्रोविजन्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन दिस रिगार्ड, द प्लॉट्स ऑफ साइज मोर देन, जिसके अंदर 300 स्क्वायर मीटर की होती है, कम अंडर द रूल्स विदाउट द प्रोविजन्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड द म्यूनसिपल बिल्डिंग डज नॉट अप्रूव द मैप। म्यूनसिपल बिल्डिंग का मैप अप्रूव नहीं करती है तो आफ्टर कंस्ट्रक्शन द बिल्डिंग इज मैंडेटरी टू टेक ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 194 के अंदर लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और जो सर्टिफिकेट होगा वो गिवन किया जाएगा ओनली व्हेन द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज इन वर्किंग कंडीशन और वॉयलेटर कैन बी फाइंड किया जाएगा 25,000 से 1,00,000 तक का, और पनिश किया जाएगा उसको इम्प्रिजनमेंट 7 दिन का। और इफ़ द ओनर ऑफ बिल्डिंग रीयूज करता है रेन वाटर को एंड देन इट विल बी कंसिडर्ड एज कंप्लेंट अगेंस्ट सेक्शंस। अ प्रोविजन्स ऑफ पार्किंग स्पेस, द स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर पार्किंग मैंडेटरी करेगी फॉर बिल्डिंग के लिए एंड द मैप विल नॉट बी अप्रूव्ड विदाउट द पार्किंग प्रोविजन्स के द्वारा, बाद में ही उसको अप्रूव करेंगे। और ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट विल नॉट बी इशूड, वाटर कनेक्शन विल नॉट बी गिवन इन टू सच बिल्डिंग्स, ऐसे कनेक्शन नहीं दिया जाएगा ऐसी बिल्डिंग्स को। और इसका अगर वॉयलेशन करते हो तो उसको 25,000 से 1,00,000 तक का फाइन किया जाएगा और इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा 7 दिन का। अब पनिशमेंट फॉर लिटरिंग ऑन स्ट्रीट्स एंड डिस्पोजिंग एंड थ्रोइंग एनी सॉलिड वेस्ट, इसके अंदर क्या किया जाएगा कि इसके अंदर फाइन किया जाएगा 500 रुपये का अगर कोई इम्पोज किया जाएगा ऐसे लोगों पे। बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर मैनेजमेंट के अंदर अब बहुत सारे भी ड्यूटी होगी म्यूनसिपलिटी की कि वो मैनेजमेंट अलग से करेगी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा। अब हजार्डस वेस्ट जो भी है मैनेजमेंट करेगी म्यूनसिपलिटी, मैनेजमेंट अबाउ सेल भी ड्यूटी ऑफ म्यूनसिपलिटी, तो ये मैनेजमेंट इसका भी ड्यूटी है म्यूनसिपलिटी का, और वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ये होगा ऐसा। परमिशन इज नेसेसरी फॉर सर्टेन प्रोजेक्शंस, परमिशन नेसेसरी है तो इसके अंदर क्या है कि नो पर्सन शैल टेक करेगा बिल्डिंग टूवर्ड्स द पब्लिक रोड, तो नो पर्सन कोई भी बिल्डिंग को पब्लिक रोड की तरफ नहीं लाएगा। दूसरा, म्यूनसिपलिटी मे गिव सच परमिशन फॉर पब्लिक कन्वीनियंस, और म्यूनसिपलिटी ऐसी परमिशन देगी सच परमिशन टू गिव पब्लिक कन्वीनियंस के लिए। तीसरा, म्यूनसिपलिटी कैन इम्पोज फाइन इम्पोज कर सकती है 5,000 से 10,000 तक का वॉयलेटर के लिए। चौथा, कंस्ट्रक्शन में बी आज टू बी रिमूव्ड और चेंज एंड कंटिन्यूस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन में अट्रैक्ट करेगा 500, अगर वो कंटिन्यू करता है तो 500 से 100 रुपये तक का जो डेली चार्ज होता है उसको वो इम्पोज करेगा। ठीक है।
पांचवा इसके अंदर है कि सच कंस्ट्रक्शन इज रिमूव्ड बाय म्यूनसिपलिटी, म्यूनसिपलिटी के द्वारा एन अप्रूवल हैज बीन गिवन अर्लियर। छठा, देन द ओनर विल बी कंपनसेट, ओनर को क्या किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा। अब ट्रफ एंड पाइप्स फॉर रेन वाटर के लिए, अब एवरी लैंड ओनर विल हैव टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स, करेगा पाइपलाइंस के लिए। प्रॉपर अरेंजमेंट्स करेगा पाइपलाइंस के लिए और प्रॉपर डिस्पोजल करेगा रेन वाटर का। ठीक है, दूसरा, नो पर्सन शैल थ्रो करेगा रेन वाटर इन पब्लिक रोड और वॉयलेशन इसका जो कोई भी करेगा उसको 1,000 से 2,000 तक का फाइन लगेगा। अब प्रोविजंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसके अंदर क्या क्या है, इन दिस रिगार्ड द प्लॉट साइज ऑफ मोर देन 300 स्क्वायर फीट का, स्क्वायर मीटर का अगर देता है तो कम अंडर द रूल्स एंड विदाउट द प्रोविजंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग द म्यूनसिपल बिल्डिंग डज नॉट अप्रूव द मैप। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होगा तो म्यूनसिपल उसको अप्रूव नहीं करेगी। अब आप आफ्टर द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मैंडेटरी है टू टेक करेगा ऑक्यूपेंसी एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 194। बिल्डिंग हो गई है कंप्लीट तो उसके बाद में उसको ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सेक्शन 194 के द्वारा। तो ये सर्टिफिकेट कैन बी गिवन ओनली व्हेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वर्किंग कंडीशन, और ये अपने को देंगे जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसके अंदर होगा, वर्किंग कंडीशन में होगा। ठीक है, अब वॉयलेटर कैन बी फाइंड अप फ्रॉम, फाइंड किया जाएगा 25,000 से 1,00,000 तक का एंड पनिश करेगा इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 डेज का। इफ द ओनर ऑफ बिल्डिंग रीयूज करता है, ओनर ऑफ बिल्डिंग रीयूज रेन वाटर को रीयूज करता है देन उसको कंसिडर किया जाएगा कंप्लेंट विद दिस सेक्शन, इस सेक्शन के साथ में उसको कंप्लेंट की तरह कंसिडर किया जाएगा। अब प्रोविजन रिलेटेड टू द पार्किंग स्पेस, अब द स्टेट गवर्नमेंट मेक करेगी पार्किंग मैंडेटरी, पार्किंग मैंडेटरी, ठीक है, फॉर एनी बिल्डिंग, कोई सी बिल्डिंग के लिए। दूसरा, इसके अंदर मैप विल बी अप्रूव किया जाएगा विदाउट पार्किंग प्रोविजंस ऑफ ऑक्यूपेंसी, मैप अप्रूव किया जाएगा पार्किंग प्रोविजंस। ऑक्यूपेंसी एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, विल नॉट बी इशूड, इशू नहीं किया जाएगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तीसरा, वाटर कनेक्शन विल नॉट बी गिवन टू सच बिल्डिंग्स, वाटर कनेक्शन नहीं दिया जाएगा ऐसे बिल्डिंग्स को। अब फिक्सिंग द ऑफ ब्रैकेट्स, म्यूनसिपलिटी में पुट अप ब्रैकेट्स फोन प्राइवेट बिल्डिंग एंड वायर्स इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन केयरिंग अदर टाइप्स ऑफ पाइपलाइंस के लिए। अब फिक्सिंग ब्रैकेट्स एटसेट्रा, तो इसके अंदर क्या होगा कि म्यूनसिपलिटी में पुट अप करेंगे ब्रैकेट्स को ऑन प्राइवेट बिल्डिंग फॉर वायर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन एटसेट्रा और फॉर केयरिंग अदर टाइप ऑफ पाइपलाइंस। फिक्सिंग ब्रैकेट्स एटसेट्रा टू द हाउस,
म्यूनसिपलिटी में पुट अप कर सकती है ब्रैकेट्स ऑन प्राइवेट बिल्डिंग्स के ऊपर फॉर वायर्स इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन्स कैरिंग अदर टाइप्स ऑफ पाइपलाइंस के लिए। नेमिंग ऑफ स्ट्रीट्स एंड नंबरिंग द हाउसेज, म्यूनसिपलिटी डिटरमाइन करती है नेम्स रोड्स कॉलोनीज मोहल्लाज मार्केट ब्रिजेज गार्डन्स एट्सेट्रा के लिए एक एरिया के अंदर। और म्यूनसिपलिटी सेल असाइन कर सकती है सीरियल नंबर ईच हाउस को ओनर्स नेम के अंदर और रेसिडेंस नेम के अंदर ब्रोडेड फ्रॉम ओनर्स एक्सपेंसेस एंड द वॉयलेटर कैन बी फाइंड 1,000 से 2,000 तक का फाइन दे सकते हैं। अब आइडियल कैन नॉट बी इरेक्टेड इन पब्लिक रोड्स विदाउट परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और वॉयलेशन कैन बी पनिश्ड फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 महीने से 6 महीने तक का और फाइन दिया जाएगा 25,000 से 50,000 तक का। रिमूवल ट्रिमिंग हेज और ट्रीज के लिए म्यूनसिपलिटी कैन मेक रूल्स रिगार्डिंग द हाइट विड्थ और ट्रीज के लिए। इफ द ट्रीज अफेक्टिंग द पब्लिक रोड्स रिजर्वोयर्स को अफेक्ट करते हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट करेंगे और कैन गिव नोटिस टू कट दैम, उनको कट करने का नोटिस दे सकते हैं। इन केस ऑफ नॉन कम्प्लायंस द म्यूनसिपलिटी कैन हार्वेस्ट एंड डन इट्सेल्फ और कॉस्ट को रिकवर किया जाएगा ओनर से। डेंजरस बिल्डिंग्स, द म्यूनसिपलिटी विल गेट करेगी सच बिल्डिंग्स को फ्लडेड एंड वार्निंग करेगी बोर्ड को विल बी पुट अप एंड एक्सपेंसेस इनकर जो कि किए जाते हैं रिगार्ड के अंदर रिकवर्ड फ्रॉम द ओनर और ऑक्यूपायर से उसको रिकवर किया जाएगा एंड विल बी आस्क्ड टू डिमोलिश रिपेयर बिल्डिंग्स और गिविंग नोटिस एंड वर्क हैज टू बी स्टार्टेड इन 3 डेज के अंदर अदरवाइज म्यूनसिपलिटी इट्सेल्फ गेट्स करेगी उस वर्क डन। डिस्पेंसिंग एंड पेमेंट्स, नो पर्सन सेल अल्टर करेगा और रिमूव करेगा म्यूनसिपलिटी के ट्रक्स को और फाइन का 2,000 से 5,000 तक का इम्पोज करेगा फॉर वॉयलेशन के लिए और 110% ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया जाएगा म्यूनसिपलिटी के द्वारा और री इम्प्रूवमेंट विल बी रिकवर्ड। इफ एनी पर्सन चेंजेस करता है कॉज ऑफ डैमेज द म्यूनसिपलिटी कैन गिव नोटिस टू आस्क एंड रेटिफाई करेगी इसको और इसका फेलियर to do and result in the 1,000 से 2,000 तक का। फिक्सिंग ब्रैकेट्स एट्सेट्रा टू द हाउसेस, इसके अंदर क्या होगा म्यूनसिपलिटी में पुट अप कर सकती है ब्रैकेट्स को प्राइवेट बिल्डिंग्स के ऊपर बिल्डिंग्स के ऊपर फोर वायर्स वायर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन एटसेट्रा और केयरिंग अदर टाइप ऑफ पाइपलाइंस। नेमिंग ऑफ स्ट्रीट्स एंड नंबरिंग ऑफ हाउसेस, म्यूनसिपलिटी विल डिटरमाइन करेगी नेम्स, म्यूनसिपलिटी इसके अंदर क्या करेगी डिटरमाइन करेगी जो भी नेम्स हैं रोड्स हैं कॉलोनीज हैं मोहल्लाज हैं मार्केट ब्रिज हैं मार्केट ब्रिजेज हैं गार्डन हैं एट्सेट्रा, ठीक है, ईच एरिया के लिए। दूसरा, इसके अंदर म्यूनसिपलिटी असाइन करेगी सीरियल नंबर ईच हाउस का ओनर्स नेम पे और रेसिडेंस नंबर विल बी ब्रोडेड एट ओनर्स एक्सपेंसेस, ब्रोडेड किएंगे ओनर्स के एक्सपेंसेस पे। तीसरा, वो लेटर कैन बी फाइंड फ्रॉम 1,000 से 2,000 तक का फाइन मिल लगेगा उसको। अब इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैचूज, द आइडल कैन नॉट बी इरेक्टेड ऑन पब्लिक रोड्स के ऊपर विदाउट परमिशन, कोई भी परमिशन के बिना ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, परमिशन म्यूनसिपलिटी से नहीं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ध्यान रखना। वॉयलेशन कैन
कैन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 months से 6 months, और अगर इसका वॉयलेशन करता है तो उसको 2 महीने से 6 महीने तक की सज़ा मिलेगी, और फाइन लगाएंगे उसके ऊपर 25,000 से लेकर 50,000 तक का। रिमूवल ऑफ ट्रेनिंग हेजेज एंड ट्रीज एक्सेट्रा, तो इसके अंदर क्या करेगी, जैसे कि पहला पॉइंट है कि म्यूनसिपलिटी रूल्स बनाएगी, म्यूनसिपलिटी रूल्स बनाएगी हाइट विड्थ ऑफ ट्रीज के ऊपर। दूसरा, इफ ट्रीज आर अफेक्टिंग पब्लिक रोड्स, अगर ट्री अफेक्ट कर रहे हैं पब्लिक रोड्स को, तो उसके अंदर क्या होगा, रोड्स और रिजर्वॉयर्स को, तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, उसके कारण इनको क्या करेगा, नोटिस देना पड़ेगा कि उनको भाई काटो, कट करने के लिए। और फिर इसके बाद में इन केस ऑफ नॉन कम्प्लायंस, अगर फिर भी वो नॉन कम्प्लायंस करता है तो म्यूनसिपलिटी कैन गेट हार्वेस्टिंग डन बाई इट्स सेल्फ एंड कॉस्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द ओनर, तो म्यूनसिपलिटी खुद कर लेगी और उसको कॉस्ट रिकवर कर लेगी। डेंजरस बिल्डिंग्स, डेंजरस बिल्डिंग्स, म्यूनसिपलिटी विल गेट सच बिल्डिंग्स फ्लडेड एंड अ वार्निंग बोर्ड विल बी पुट अप, ऐसे डेंजरस बिल्डिंग्स के ऊपर म्यूनसिपलिटी क्या करेगी, ऐसे बिल्डिंग्स को फ्लडेड एंड वार्निंग बोर्ड उस पर लगाएंगे, वार्निंग बोर्ड लगाएंगे उसके ऊपर। दूसरा, एक्सपेंसेस जो कि इनकर्ड किए जाते हैं रिगार्ड के अंदर रिकवर करेंगे ओनर से, और जो भी ऑक्यूपायर है उससे उसको रिकवर करेंगे। तीसरा, विल बी आस्क्ड टू डिमोलिश एंड रिपेयर द बिल्डिंग बाय गिविंग नोटिस, ओनर और ऑक्यूपायर से बोलेंगे कि भाई तुम या तो इसको डिमोलिश कर दो या फिर इसको रिपेयर करवाओ, ठीक है। वर्क हैज़ टू बी डन इन 3 days, और ये वर्क 3 दिन के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज म्यूनसिपलिटी गेट्स दिस वर्क डन, या फिर म्यूनसिपलिटी करेगी इस वर्क को और फिर काम करेगी। अब डिस्पेंसिंग ऑफ पेमेंट, नो पर्सन सेल अल्टर और रिमूव म्यूनसिपलिटी ट्रक्स, कोई भी आदमी म्यूनसिपलिटी के ट्रक्स को अल्टर नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर फाइन लगाएंगे 2,000 से 5,000 तक का, विल बी इम्पोज, और वॉयलेशन के लिए, और 110% वसूलेंगे, 10% एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय म्यूनसिपलिटी री इम्प्रूवमेंट के अंदर, री इम्प्रूवमेंट अगर करते हैं तो उसके अंदर रिकवर किया जाएगा म्यूनसिपलिटी के द्वारा। दूसरा, इफ एनी पर्सन चेंजेज और कोज करता है, कोई भी आदमी चेंज करता है कोज करता है डैमेज को, द म्यूनसिपलिटी गिव नोटिस और आस्क करेगा हिमसेल्फ टू रेटिफाई इट, तीसरा, फेलियर टू डू सो कैन कंसल्ट इन फाइन 1,000 से 2,000 तक का, फेलियर अगर होता है तो उसके 1,000 से 2,000 तक का फाइन उसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। अब एनक्रोचमेंट ऑब्स्ट्रक्शन अपॉन पब्लिक लैंड के ऊपर, ऐसे जो कि सच लैंड इज नॉट एनी प्राइवेट ओनरशिप के अंदर नहीं है और कंसिडर किए जाएंगे पब्लिक लैंड, अगर कोई आदमी एनक्रोच करता है लैंड को, देन इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा उसको 3 महीने से 3 साल तक का, और फाइन लगाया जाएगा 30,000 से 50,000 तक का। कोर्ट कैन गिव कर सकता है रीजन इन राइटिंग सेंटेंस लेस देन 3 months तक का कर सकता है कोर्ट अगर सजा दे तो। इफ़ एनी पर्सन कमिट करता है टेम्प्रेरी एनक्रोचमेंट, ही कैन पनिश कर सकता है इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 month तक का इम्प्रिजनमेंट कर सकता है, और फाइन अप टू 5,000 तक का। म्यूनसिपलिटी कैन रिमूव कर सकता है ऐसे एनक्रोचमेंट को, इफ पर्सन टेक सैंड स्टोन फ्रॉम पब्लिक लैंड ही इज पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट 2 महीने से 6 महीने तक का, और फाइन लगाता है 3,000 से 5,000 तक का।
मशीन्स यूज करती है फॉर एनक्रोचमेंट ऑन पब्लिक लैंड और टूल्स के ऊपर एंड कैन बी अटैच टू द ऑफिसर विल इन्फॉर्म करेगा म्यूनसिपल ऑफिसर को. म्यूनसिपलिटी कैन टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस लेगा एंड कैन ऑर्डर एंड फोर्टिफाइड करेगा एक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज को. बिफोर ऑक्शन सीजर एंड पर्सन जो कि कंसर्न है गिवन करेगा नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी और प्रजेंट करेगा इसकी साइड से. द अफेक्टेड पार्टी अपील कर सकती है डिस्ट्रिक्ट जज को 1 महीने के अंदर अंदर. कंस्ट्रक्शन स्टेयर्स ट्रैक्स एंड अलाउड किए जाएंगे ड्रेन्स के ऊपर एंड ऑक्यूपेंसी ऑफ पब्लिक रोड्स अलाउड किए जाएंगे मैक्सिमम 7 दिन तक ड्यूरिंग द पब्लिक इवेंट्स और फेस्टिवल्स के समय. इन म्यूनसिपल स्टाफ ऑफिसर और कमिट करेगा ट्रेसपासिंग और कोऑपरेट्स करेगा. ये पनिश कर सकता है इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से 3 साल तक का और 30,000 रुपये फाइन लगा सकता है 30,000 रुपये का. प्रोसीडिंग यहाँ देख रहे 30,000 से 50,000 नहीं है, ओनली 30,000 है. प्रोसीडिंग सेल नोट भी इनिशिएटेड किए जाएंगे कोर्ट के द्वारा विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ म्यूनसिपलिटी. द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस सेक्शन इज डन बाई एन ऑफिसर ऑफ हायर रैंक. इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनक्रोचमेंट ऑफ एनी पर्सन ही कैन आस्क कर सकता है दैट पर्सन डिपॉजिट करेगा बॉन्ड ऑफ गुड बिहेवियर 1 ईयर के अंदर बिफोर द मजिस्ट्रेट से पहले. तो अपन ने क्या देखा एनक्रोचमेंट के अंदर. एनक्रोचमेंट के अंदर सबसे पहले अपन देखना कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है उसके अंदर वो सब पब्लिक लैंड है. दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये कि इफ पर्सन एनक्रोच करता है, अगर कोई पर्सन एनक्रोच करता है पब्लिक लैंड ऐसे लैंड को उसको 3 महीने से 3 साल तक की तो सज़ा सुनाई जाएगी और उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा 30,000 से 50,000 तक का उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा. ठीक है. और कोर्ट कैन गिव रीजंस इन राइटिंग. अगर कोर्ट अगर चाहे तो उसको राइटिंग के अंदर रीजन बता सकता है कि वो 3 महीने से कम की सज़ा दे रहा है, less than 3 months. ठीक है. इफ एनी पर्सन कमिट करता है टेम्प्रेरी एनक्रोचमेंट, अगर टेम्प्रेरी एनक्रोचमेंट करता है कोई भी आदमी तो ऐसे ही कैन बी पनिश्ड और उसको भी पनिशमेंट दिया जाएगा इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 month. 1 month का इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा और फाइन किया जाएगा एंड फाइन किया जाएगा up to 5,000 तक का. ठीक है. अब म्यूनसिपलिटी कैन रिमूव कर सकती है ऐसे एनक्रोचमेंट को. म्यूनसिपलिटी उसको रिमूव कर सकती है ऐसे एनक्रोचमेंट को इफ़ एनी पर्सन टेक्स सैंड लेता है और स्टोन लेता है एक्सेट्रा ये लेता है तो फ्रॉम पब्लिक लैंड. पब्लिक लैंड से देन ही इज पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 months. 2 महीने तक की सज़ा, 6 महीने तक की सज़ा और फाइन लगा सकते हैं 3,000 से 5,000 तक का फाइन. ठीक है. मशीन्स यूज एनक्रोचमेंट के अंदर पब्लिक लैंड और टूल्स के अंदर कैन बी अटैच टू द ऑफिसर विल इन्फॉर्म करेगा म्यूनसिपल ऑफिसर को. मशीन जो कि यूज की गई है एनक्रोचमेंट के लिए वो पब्लिक लैंड का और टूल्स को एक्सेट्रा कैन बी अटैच्ड एंड ऑफिसर विल इन्फॉर्म करेगा म्यूनसिपल ऑफिसर को. म्यूनसिपलिटी कैन टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन एंड कैन ऑर्डर फोर्टिफाइड एक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज. म्यूनसिपलिटी कैन टेक appropriate decision, can order कर सकता है forfeit auction of property. Before the auction seizure, the person concerned is given notice and opportunity to present his side. Auction से पहले और सीजर से पहले पर्सन जो कि कंसर्न होगा उसको नोटिस दिया जाएगा और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उसको कि वो अपनी साइड को प्रेजेंट करे. ठीक है. द अफेक्टेड पार्टी कैन अपील द डिस्ट्रिक्ट जज विद इन 1 month. जो अफेक्टेड पार्टी है
वो डिस्ट्रिक्ट जज से पहले जा सकती है 1 महीने के अंदर, ठीक है। एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेयर ट्रैक्स विल बी अलाउड ओवर ड्रेन्स, तो जो कंस्ट्रक्शन है तो उसके ऊपर स्टेयर और ट्रैक्स अलाउड हैं। ऑक्यूपेंसी ऑफ पब्लिक रोड्स विल बी अलाउड फॉर मैक्सिमम 7 days ड्यूरिंग द पब्लिक इवेंट और फेस्टिवल। ऑक्यूपेंसी पब्लिक रोड्स की अलाउड है 7 दिन के लिए, कोई भी पब्लिक इवेंट है या फिर फेस्टिवल है उसके लिए। इफ द म्युनिसिपल स्टाफ ऑफिसर कमिट करता ट्रेसपासिंग ऑफ कोऑपरेटर्स एंड ही इज पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 months से 3 साल तक का, और फाइन लगाएंगे उसको 30,000 तक का। अगर म्युनिसिपल स्टाफ वो कोऑपरेट करता है तो उसको पनिशमेंट किया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा, एक तो 3 महीने से लेकर 3 साल तक का, और उसके ऊपर 30,000 तक का फाइन लगाया जाएगा। प्रोसीडिंग शैल नॉट बी इनिशिएटेड बाय द कोर्ट विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द म्युनिसिपलिटी, और जो कि प्रोसीडिंग्स होंगी इनिशिएट नहीं होंगी कोर्ट के पहले, प्राइवेट कोर्ट, विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ म्युनिसिपलिटी से पहले। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अंडर सेक्शन विल बी डन बाई एन ऑफिसर ऑफ हायर रैंक, तो जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इस सेक्शन के अंदर वो की जाएंगी हायर रैंक के ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनक्रोचमेंट बाई एनी पर्सन, अगर किसी के पास में पॉसिबिलिटी है ऑफ एनक्रोचमेंट बाई एनी पर्सन, ही कैन आस्क दैट पर्सन टू डिपॉजिट डिपॉजिट ए बॉन्ड ऑफ गुड बिहेवियर फॉर 1 year के लिए बिफोर मजिस्ट्रेट। अब डेंजरस क्यूरिंग, अब देखो एक पर्सन है, इफ ए पर्सन प्रॉपर्टी इज इन डेंजर ड्यू टू द एक्सकेवेशन ऑफ लैंड द म्युनिसिपलिटी सेल स्टॉप करेगी ऐसे एक्सकेवेशन को, और म्युनिसिपलिटी करेगी गेट फ्लड क्लोजर एंड डेंजरस प्लेसेस कोस्ट विच विल रिकवर फ्रॉम पर्सन कंसर्न से रिकवर की जाएंगी। प्रीमिसेस नॉट टू बी यूज फॉर कीपिंग एनिमल्स और पोल्ट्री विदाउट लाइसेंस, एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री फार्म कैन नॉट बी डन एनी प्रीमिसेस के अंदर विदाउट टेकिंग लाइसेंस के लिए बिना और म्युनिसिपलिटी के बिना। म्युनिसिपलिटी कैन एग्जम्प्ट करेगा कोई भी पर्टिकुलर क्लास को फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस। अब सीजर ऑफ सर्टेन एनिमल्स और बर्ड्स, एक पर्सन कीप्स करता है एनिमल्स को और बर्ड्स को, कॉन्ट्रावेंशन करता है इस चैप्टर के अंदर, दे मे बी कन्फिस्केटेड बाय द म्युनिसिपलिटी किए जाएंगे, और जो कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग होगा अबव विल बी रिकवर्ड किया जाएगा पर्सन जो कि कंसर्नड उससे। द ओनर ऑफ एनिमल एंड बर्ड कैन अप्लाई कर सकते हैं उनके रिलीज 7 दिन के अंदर, एंड सच एनिमल और बर्ड विल बी ऑक्शन किए जाएंगे म्युनिसिपलिटी के अंदर, एंड द बैलेंस अमाउंट विल बी रिटर्न टू द ओनर बाई रिकवरिंग एक्सपेंसिस एटसेट्रा फ्रॉम द अमाउंट रिकवर्ड। इफ अ पर्सन कंसर्न डज नॉट अप्लाई फॉर द अमाउंट विद इन 90 days के अंदर, द बोर्ड विल डिपॉजिट करेगा इस अमाउंट को म्युनिसिपल फंड के अंदर। पावर टू डील विद इन्फेक्टेड डॉग्स और एनिमल्स, बोर्ड इसके अंदर डायरेक्ट करता है और सेग्रीगेशन करता है, डिस्ट्रक्शन करता है ऐसे एनिमल्स को। इफ पर्सन पर्सनल एनिमल और डॉग आर फाउंड इन रोमिंग इन ओपन के अंदर, देन दे कैन ऑल्सो बी इंस्ट्रक्ट टू कीप दैम सेपरेटली एंड टू डिस्ट्रॉय दैम। नोटिस मस्ट बी गिवन टू द ओनर, ओनर को नोटिस दिया जाएगा इसके लिए। अब डेंजरस क्यूरिंग, इसके अंदर क्या है कि अगर कोई आदमी, इफ एनी पर्सन्स प्रॉपर्टी डेंजर के अंदर है ड्यू टू एक्सकेवेशन के कारण,
तो उसको म्यूनसिपल्टी के द्वारा स्टॉप किया जाएगा। ठीक है, म्यूनसिपल्टी गेट फ्लड क्लोजअप, म्यूनसिपल्टी कैन गेट फ्लड क्लोजअप ऑफ डेंजरस प्लेसेस का। अब द कॉस्ट विच ऑफ विच विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द पर्सन कंसर्न, उसकी कॉस्ट जो होगी उसको रिकॉर्ड की जाएगी जो भी कंसर्न पर्सन होगा। प्रीमिसेस नॉट टू बी यूज्ड फॉर कीपिंग एनिमल्स एंड पोल्ट्री विदाउट लाइसेंस। ठीक है, एनिमल हजबेंड्री और पोल्ट्री फार्मिंग कैन नॉट बी डन इन एनी प्रीमिसेस विदाउट टेकिंग लाइसेंस। एनिमल हजबेंड्री और पोल्ट्री फार्मिंग नहीं किए जा सकते डन कोई भी प्रीमिसेस के अंदर, एनी प्रीमिसेस विदाउट टेकिंग लाइसेंसेस। लाइसेंसेस फ्रॉम म्यूनसिपल्टी। दूसरा, म्यूनसिपल्टी कैन एग्जेम्प्ट कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर क्लास को फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस, क्लास को और रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस से। ठीक है, अब सीजर और सर्टेन एनिमल्स और बर्ड्स, इफ एनी पर्सन कीप्स करता है एनिमल और बर्ड को इन कॉन्ट्रावेंशन दिस चैप्टर दे विल बी कन्फिस्केटेड किए जाएंगे म्यूनसिपल्टी के द्वारा। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग अबव रिकवर्ड किए जाएगी, और जो उनको जो कॉस्ट है हैंडलिंग कर रहे हैं उनकी रिकवर्ड किए जाएंगी किससे, जो कि जो भी पर्सन कंसर्न है उससे। ठीक है, तीसरा है इसके अंदर कि ओनर ऑफ एनिमल और बर्ड कैन अप्लाई कर सकते हैं रिलीज इन 7 डेज के अंदर, 7 डेज के अंदर रिलीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथा, सच एनिमल एंड बर्ड्स विल बी ऑक्शन बाय द म्यूनसिपल्टी, ऐसे एनिमल और बर्ड को ऑक्शन किए जाएंगे बाय द म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा। ठीक है, पांचवा, द बैलेंस अमाउंट कैन बी रिटर्न टू द ओनर बाय रिकवरिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा फ्रॉम द अमाउंट रिकवर्ड, और द बैलेंस अमाउंट कैन बी रिटर्न टू द ओनर, ओनर को बाय रिकवरिंग एक्सपेंसेस के द्वारा। ठीक है, एटसेट्रा द अमाउंट रिकवर्ड। छठा, इफ अ पर्सन कंसर्न डज नॉट अप्लाई फॉर द अमाउंट विद इन 90 डेज, अगर 90 डेज के अंदर वो अप्लाई नहीं कर सकता है रिकवरी के लिए, देन द बोर्ड विल डिपॉजिट द अमाउंट, उस बोर्ड को म्यूनसिपल फंड के अंदर द अमाउंट को अप्लाई कर देगी। द पावर टू डील विद इन्फेक्टेड डॉग्स एंड एनिमल्स, द बोर्ड, सबसे पहले बोर्ड में डायरेक्ट करते हैं द सेग्रीगेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ सच एलिमेंट्स। दूसरा, इफ एनी पर्सन्स पर्सनल एनिमल और डॉग एटसेट्रा आर फाउंड इन रोमिंग इन ओपन, देन दे कैन ऑल्सो बी इंटरेस्टेड टू कीप देम सेपरेटली और डिस्ट्रॉय देम। अगर कोई आदमी, इफ एनी पर्सन पर्सनल एनिमल और डॉग, एनिमल और डॉग एटसेट्रा फाउंड होते हैं रोमिंग ओपन के अंदर, तो ऐसे जगह इंटरेस्टेड करते हैं कीप देम सेपरेटली और डिस्ट्रॉय देम। नोटिस मस्ट बी गिवन टू द ओनर, और उसके अंदर नोटिस भी दिया जाएगा ओनर को। अब पावर टू स्टॉप न्यूसेंस फ्रॉम एनिमल्स विद इन प्रेमिसेस, इफ इन द ओपिनियन ऑफ द म्यूनसिपल्टी न्यूसेंस इज स्प्रेडिंग बाई एनी इन एनी प्रेमिसेस ड्यू टू द एनी एनिमल और बर्ड के द्वारा,
देन म्यूनसिपलिटी विल गिव करेगी नोटिस ओनर और आस्क करेगी उसको कि स्टॉप करे उसको, और एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द लाइसेंस ओनर के द्वारा। इफ द ओनर फेल करता है स्टॉप द न्यूसेंस, द लाइसेंस इज लाइबल टू बी कैंसिल्ड और एनिमल और बर्ड कैन बी सीज एंड दे कैन बी ऑक्शन किए जा सकते हैं। ठीक है, अब लाइसेंसिंग ऑफ डायरीज, डायरी लाइसेंसिंग ऑफ डेयरी, डेयरीज कैन नॉट बी रन विदाउट लाइसेंस एंड द म्यूनसिपलिटी कैन विड्रॉ कर सकती है लाइसेंस बाई गिविंग नोटिस ऑफ 1 महीने का। इफ द लाइसेंस वॉयलेट करता कंडीशन द लाइसेंस कैन बी विदड्रॉन विदाउट नोटिस और फाइन 5,000 से 10,000 तक का इम्पोज किया जा सकता है। फॉर वॉयलेशन ऑफ दिस सेक्शन एडिशनल फाइन ऑफ 50 रुपये पर डे उसके अंदर इम्पोज किया जा सकता है कंटिन्यूइंग द ऑफेंस। पावर टू प्रोहिबिट एंड यूज ऑफ पब्लिक स्ट्रीट इन सर्टेन काइंड ऑफ ट्रैफिक के अंदर। इफ द व्हीकल कोज करता है इनकन्वीनियंस और डेंजर इन डेंजर टू पब्लिक इट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बींग ट्रांसपोर्टेड एंड पब्लिक रोड्स के अंदर। इफ मूविंग एनी व्हीकल लाइकली टू बी कोज डैमेज करता है पब्लिक वर्क रोड और प्रॉपर्टी को देन इट विल बी अलाउड आफ्टर टेकिंग द स्पेशल चार्जेस। ए ट्रैफिक कैन बी स्टॉप्ड बाई एंटायर टाइम एंड स्पेसिफिक टाइम कैन बी टेम्प्रेरी क्लोज करेंगे कंस्ट्रक्शन रिपेयर डैमेज और वाटर सप्लाई करेंगे अदर फैसिलिटीज को। नोटिस रिगार्ड ऑल अबव इज पेस्टेड बोथ एंड्स के ऊपर ऑफ रोड्स एंड पाथ कैन बी रिजर्व किया जाएगा पेडेस्ट्रियन साइकिल को। रेगुलेशन ऑन पार्किंग प्राइवेट व्हीकल्स के लिए पब्लिक प्लेसेस पे म्यूनसिपलिटी कैन मेक कर सकती है रूल्स पार्किंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ रोड्स एंड फुटपाथ। पार्किंग विल बी परमिटेड की जाएगी ओनली व्हेन द सफिशियंट स्पेस इज अवेलेबल एंड म्यूनसिपलिटी कैन सेट कर सकती है फीस फॉर पार्किंग के लिए। पावर टू स्टॉप न्यूसेंस फ्रॉम एनिमल विद इन प्रीमिसेस। ठीक है, इफ द ओपिनियन ऑफ म्यूनसिपलिटी के अंदर ओपिनियन में कोई स्प्रेड कर रहा है प्रेमिसिस को ड्यू टू एनिमल बर्ड कोई भी एनिमल और बर्ड के द्वारा देन म्यूनसिपलिटी नोटिस दे सकती है ओनर को एंड आस्क कर सकती है स्टॉप करने के लिए। एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट लाइसेंस ओनर। The owner fails to stop license. Stop nuisance. License liable to cancel कर दिया जाएगा उसका license. और animal and bird can seize कर सकते हैं and they can be auctioned. Seize कर सकते हैं और उनको auction भी किया जा सकता है। लाइसेंस ऑफ डेयरीज, डेयरी कैन नॉट बी रन, डेयरी को रन नहीं किया जाएगा लाइसेंस के बिना। ठीक है, द म्यूनसिपलिटी कैन विड्रॉ कर सकती है लाइसेंस बाई गिविंग नोटिस ऑफ 1 मंथ और म्यूनसिपलिटी उसके अंदर विड्रॉ कर सकती है लाइसेंस को 1 महीने की वार्निंग देकर। ठीक है, इसके अंदर और है कि इफ़ द लाइसेंस वॉयलेट करता है कंडीशंस द लाइसेंस कैन बी विदड्रॉन विदाउट नोटिस। अगर लाइसेंस वॉयलेट करते हैं कंडीशंस को लाइसेंस तो विदाउट नोटिस के भी उसको कंसिडर किया जा सकता है। फाइन लगाया जाएगा उसके ऊपर 5,000 से 10,000 तक का इम्पोज किया जाएगा वॉयलेशन सेक्शन के ऊपर और एडिशनल फाइन लगाया जाएगा 50 रुपये पर डे का इम्पोज कंटिन्यूइंग अगर ऑफेंस करता है तो। पावर टू प्रोहिबिट यूज ऑफ पब्लिक स्ट्रीट एंड सर्टेन काइंड्स ऑफ ट्रैफिक के लिए। इफ ए व्हीकल कोज करता है इनकन्वीनियंस नियंस और डेंजर टू पब्लिक इट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बींग ट्रांसपोर्टेड ऑन पब्लिक लैंड तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है फ्रॉम ट्रांसपोर्टेड ऑन पब्लिक लैंड के ऊपर।
If moving any vehicle is likely to cause damage to public work road property, then it will be allowed after taking special charges. If moving any vehicle is likely to cause damage to public works, roads, property, then it will be allowed after special charges. A traffic can be stopped for entire time and for specific time. Entire time के लिए भी stop किया जा सकता है और specific time के लिए भी, ठीक है. और can be temporarily closed construction and repair damage water supply and other facilities. और temporarily close की जा सकते हैं construction, repair और water supply and other facilities. Notice regarding all the above are pasted at both the ends of road and a path can be reserved for pedestrian and cycles के लिए. Notice both side पे दिया जा सकता है और reserved किया जा सकता है path को pedestrian के लिए और कोई भी cycles के लिए. Regulation parking and private vehicles public places के ऊपर. इसके अंदर क्या होगा कि म्यूनसिपल्टी मेक करेगी रूल्स को और पार्किंग बोथ द साइड्स के ऊपर, रोड और फुटपाथ्स के ऊपर है. और पार्किंग विल बी परमिटेड ओनली व्हेन, पार्किंग परमिटेड की जाएगी जब सफिशियंट स्पेस इज अवेलेबल होगा. तीसरा, म्यूनसिपल्टी कैन सेट कर सकती है फी फॉर पार्किंग. अब हेल्टिंग व्हीकल्स और एनिमल्स ऑन पब्लिक ग्राउंड. वॉयलेशन ऑफ अबव कैन अट्रैक्ट कर सकता है फाइन ऑफ रेंजिंग 1,000 से 2,000 तक का, और फाइन जो कि कंटिन्यू कर सकता है 50 रुपये से 100 रुपये तक का इम्पोज कंटिन्यूंग अगर वॉयलेशन करता है तो. अरेंजमेंट्स फॉर फायर प्रिजर्वेशन के लिए. ओनर्स और ऑक्यूपायर्स कैन ऑफ एनी प्रेमिसेस कैन आस्क कर सकता है मेक फायर प्रिजर्वेशन अरेंजमेंट्स के लिए. और द म्यूनसिपल्टी कैन गिव कर सकती इंस्ट्रक्शंस टू गेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इमेज की. एस्टेब्लिशमेंट और मेंटेनेंस फॉर फायर ब्रिगेड के लिए. अबव अरेंजमेंट्स विल बी मेड बाय द म्यूनसिपल्टी के द्वारा किए जाएंगे. पावर्स ऑफ फायर ब्रिगेड एंड अदर पर्संस फॉर सपरेशन ऑफ फायर. मुंबई मेंबर्स ऑफ फायर ब्रिगेड और म्यूनसिपल ऑफिसर्स और ऑफिसर्स ऑफ हायर रैंक और मजिस्ट्रेट में ऑर्डर कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं पर्सन जो कि हु इज ऑब्स्ट्रक्टिंग रोड क्लोजर, डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग, शट ऑफ मेन लाइंस, एंश्योर कर सकते हैं हाई वाटर प्रेशर को, आस्क कर सकते हैं फॉर पॉसिबल हेल्प के लिए और इंचार्ज फॉर फायर फाइटिंग इंजन के लिए एंड अदर मेजर्स दैट आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट लाइफ और प्रॉपर्टी. अबव पर्सन्स कैन नॉट हेल लाइबल फॉर वर्क डन इन गुड फेथ के अंदर वर्क डन किए जाते हैं. अ पावर टू रेस्ट्रिक्ट और बैन मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा ऑफ प्लास्टिक बैग्स. वॉयलेशन कैन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 months से और फाइन फ्रॉम 100 रुपये से 1,000 तक का. इन एडिशन टू दिस अ फाइन कैन बी 1 night पर डे एंड कैन बी इम्पोज फॉर कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस के लिए इम्पोज किए जा सकते हैं. हॉल्टिंग व्हीकल्स एंड एनिमल्स इन पब्लिक ग्राउंड्स, तो इसके अंदर अपन देखेंगे. तो इसके अंदर अगर वॉयलेशन होता है तो अबव को अट्रैक्ट कर सकता है वो 1,000 से लेकर 2,000 तक का फाइन, और अगर वो कंटिन्यू करता है तो उसको 500 रुपये से 100 रुपये तक का पर डे फाइन लग सकता है. अब अरेंजमेंट्स ऑफ फायर प्रिजर्वेशन, भाई ओनर होगा या फिर ऑक्यूपायर होगा तो कोई भी प्रमिसेस हो, एनी प्रमिसेस
उसको आस किया जाएगा कि भाई तुम लगाओ फायर प्रिजर्वेशन अरेंजमेंट्स, फायर प्रिवेंशन अरेंजमेंट्स लगाओ। दूसरी बात, म्यूनसिपलिटी होगी, म्यूनसिपलिटी इंस्ट्रक्शंस भी दे सकती है, इंस्ट्रक्शंस टू गेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इमेज। अब इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर ब्रिगेड, इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर ब्रिगेड है कि अबव अरेंजमेंट्स विल बी मेड इन द म्यूनसिपलिटी, म्यूनसिपलिटी के अंदर अबव अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। पावर्स ऑफ फायर ब्रिगेड एंड अदर पर्सन्स फॉर सप्रेशन ऑफ फायर, ए मेंबर, एक मेंबर ऑफ फायर ब्रिगेड म्यूनसिपल ऑफिसर और ऑफिसर ऑफ हायर रैंक और ऑफिसर ऑफ हायर रैंक और मजिस्ट्रेट में ऑर्डर कर सकता है, रिमूव कर सकता है पर्सन हु इज ऑब्स्ट्रक्टिंग रोड और क्लोजर डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग। मजिस्ट्रेट में ऑर्डर रिमूव कर सकते हैं द पर्सन हु इज ऑब्स्ट्रक्टिंग रोड क्लोजर डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग, शट ऑफ मेन लाइन और टू एंश्योर करेगा हाई वाटर प्रेशर और आस्किंग फॉर पॉसिबल हेल्प, पॉसिबल हेल्प के लिए पूछेगा और फॉर इंचार्ज ऑफ फायर फाइटिंग इंजन, इंचार्ज ऑफ फायर फाइटिंग इंजन को अदर मेजर्स दैट आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट लाइफ और प्रॉपर्टी और अदर मेजर्स किए जाएंगे जिसके अंदर दैट आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अबव पर्सन्स कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द वर्क डन इन गुड फेथ, अगर उसने गुड फेथ के अंदर काम किया है तो वो लाइबल नहीं होगा। पावर टू रेस्ट्रिक्ट एंड बैन द प्लास्टिक बैग्स के लिए, वोलेशन कैन बी पनिश्ड किया जाएगा विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 महीने का और फाइन लगाया जाएगा उसके ऊपर 100 रुपये से 1000 रुपये तक का। इन एडिशन टू दिस ए फाइन ऑफ 1 night पर डे कैन बी इम्पोज बाई कंटिन्यूइंग ऑफेंस के लिए, कंटिन्यूइंग द ऑफेंस। अब पावर टू रेस्ट्रिक्ट बैन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक बैग्स के लिए, वोलेशन कैन बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3000 से और फाइन लगाया जाएगा 100 से 1000 रुपये तक का, एडिशन टू द फाइन ऑफ 1 night पर डे इम्पोज किया जाएगा। नॉट टेकिंग द कनेक्शन डिस्चार्ज सीवरेजेस के लिए मिनिमम फाइन 5000 तक का इम्पोज किया जाएगा। फिल द बिल्डिंग के लिए, लिविंग इन सच बिल्डिंग विच इज नॉट सुटेबल फॉर लिविंग के लिए नहीं है और उसको प्रोहिबिटेड किया गया है, ए बिल्डिंग विच इज डिलेप्टेड कंडीशन के अंदर है, इज बीइंग यूज अनएथिकल एक्टिविटीज के लिए, देन म्यूनसिपलिटी कैन आस्क कर सकती है बिल्डिंग ओनर को स्टॉप करने के लिए एक्टिविटीज बाई गिविंग ए नोटिस। इफ ए बिल्डिंग इज इन डर्टी और अनहाइजीनिक कंडीशन के अंदर है, फाइन लगाया जाएगा कि उसको 1000 से 2000 तक का और इम्पोज किया जाएगा ओनर के ऊपर। फाइन ऑफ 500 से 100 रुपये तक का पर डे लगाया जाएगा। ऑल्सो इम्पोज सच बिल्डिंग कैन बी डिमोलिश कर दी जाएंगी डेब्रिज के अंदर, डैमेज को सोल्ड कर दिया जाएगा। एंड बैलेंस आफ्टर डिटेक्टिंग द एक्सपेंसेस कैन बी रिटर्न टू द ओनर, बट द मैंडेटरी फॉर ओनर टू अप्लाई करे विद इन 6 months के अंदर अंदर। बाथिंग प्लेसेस, म्यूनसिपलिटी कैन सेटअप कर सकती है प्लेसेस रिजर्वर बाथिंग वॉशिंग क्लोथ्स के लिए और बाथिंग एनिमल्स के लिए।
of falling water. Persons contaminate करता है water bodies को, discharge करता है, fill the water in them, और ये punish करेगा उसको 1,000 से 2,000 रुपये तक का. तीन मंथ तक का वॉयलेशन और 100 रुपये से 1,000 रुपये तक का फाइन, 1 night per day वाला. ठीक है, नॉट टेकिंग कनेक्शन विद डिस्चार्जिंग सीवरेजेस, तो इसके अंदर 5,000 रुपये तक का फाइन लगाया जाएगा. फिल दी बिल्डिंग, इसके अंदर क्या है कि कोई लिविंग कंडीशन के अंदर नहीं है, सुटेबल नहीं है, तो उसको प्रोहिबिटेड किया जाएगा. ठीक है, इफ बिल्डिंग विच इज इन डिलेप्टेड कंडीशन, डेटेड कंडीशन के अंदर है, इज बीइंग यूज अनएथिकल, अनएथिकल एक्टिविटीज को, देन द म्यूनसिपलिटी कैन आस्क कर सकती बिल्डिंग ओनर को. ओनर से और स्टॉप कर सकती है एक्टिविटीज बाय गिविंग नोटिस, स्टॉप कर सकती हैं एक्टिविटीज बाय गिविंग नोटिस. तीन, इसके अंदर है कि बिल्डिंग इज इन डर्टी और अनहाइजेनिक कंडीशन के अंदर है, द बिल्डिंग डर्टी और अन हाइजेनिक कंडीशन में है, देन फाइन अप टू 1,000 से लेकर 2,000 तक का फाइन उसके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है, और एंड फाइन 500 से 100 रुपये पर डे का उसके ऊपर फाइन लगाया जा इम्पोज किया जा सकता है. सच बिल्डिंग कैन बी डिमोलिश, ऐसी बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया जाएगा, और डेब्रीज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर बाय बेच दिया जाएगा, सोल्ड. द बैलेंस आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस, कैन बी रिटर्न टू द ओनर, बट द मैंडेटरी ओनर अप्लाई करते विद इन 6 मंथ्स के अंदर. बाथिंग प्लेसेस, इसके अंदर क्या करेगा कि म्यूनसिपलिटी कैन सेटअप कर सकती है प्लेसेस को और रिजर्वोयर्स को फॉर बाथिंग एंड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर बाथिंग एनिमल्स. फॉलिंग वाटर, इफ ए पर्सन कंटेमिनेट्स करता है वाटर बॉडीज को, इफ पर्सन वो कंटेमिनेट करता है वाटर बॉडी को, तो उसके ऊपर एंड डिस्चार्ज करता है फिल्थ इन दैम, और डिस्चार्ज करता है उसके अंदर फिल्थ को, तो उसको पनिश किया जाएगा 1,000 से 2,000 रुपये तक का. अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस फॉर वॉल्स के लिए एटसेट्रा, म्यूनसिपलिटी इश्यू कर सकती है नोटिस तो फिल और स्टॉप करेगा सच वाटर रिसोर्सेज को. रेगुलेशन और प्रोहिबिशन ऑफ सर्टिफिकेट काइंड्स ऑफ कल्टिवेशन, म्यूनसिपलिटी इम्पोज कर सकती है रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कल्टिवेशन और पर्टिकुलर फूड और इंस्ट्रक्शंस और रिपोर्ट्स, एंड इन रिगार्ड के अंदर आर मेड लोकल मेडिकल ऑफिसर और चीफ हेल्थ और मेडिकल ऑफिसर प्रायर परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. याद रखना स्टेट गवर्नमेंट है, म्यूनसिपलिटी नहीं है. नेसेसरी इम्पोजिंग बैन, एंड इफ द अबव फार्मिंग इज गोइंग टू कंटिन्यूसली लास्ट 5 ईयर्स के अंदर, देन कंसर्न पर्सन विल बी डैमेज करेगा इसको बैन को. यूजिंग ऑफेंसिव मैनर के अंदर 1,000 से 2,000 तक का फाइन इम्पोज किया जाएगा. प्लेइंग एनी गेम एंड कोजिंग अनोयंस, म्यूनसिपलिटी प्रोहिबिट करेगी काइट फ्लाइंग को, फायर स्पोर्ट्स को, एंड कोज करेगी इनकन्वीनियंस टू द नेबर्स एंड कंटेम्प्ट करेगा RS 100 रुपये से 500 रुपये तक का. प्रोहिबिटेशन ऑफ अदर नोशंस, केयरिंग मीट फिल्थ वर्ड विदाउट कवर एंड ओपन करेगा डिफेक्शन,
कलेक्टिंग एनिमल्स एंड कैटल्स, बुरियल्स डेड बॉडी एक्सेप्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड प्लेस के अंदर, और इरेक्शन ऑफ ग्रेवस एंड म्यूजिलम्स एंड मोन्यूमेंट्स एडिशन टू द डेजिग्नेटेड प्लेसेस एंड लिविंग एनिमल्स टू लू एट लूज कोजिंग करेगा डेंजर एंड फियर अदर पर्सन विल बी कंसिडर न्यूसेंस फाइन अप टू 1,000 से 2,000 तक का इम्पोज किया जाएगा वो लेटर के ऊपर. अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस फ्रॉम द वॉल्स एटसेट्रा. इसके अंदर क्या होगा, म्यूनसिपलिटी कैन इशू कर सकती है नोटिस और स्टॉप कर सकती है सच वाटर रिसोर्सेस को. रेगुलेशन और प्रोहिबिटेशन ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ कल्टीवेशन. म्यूनसिपलिटी इंपोज कर सकती है रेस्ट्रिक्शंस ऑन एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कल्टीवेशन और पर्टिकुलर फूड. एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कल्टीवेशन या फिर कोई भी फूड के ऊपर. दूसरा, इंस्ट्रक्शन एंड रिपोर्ट्स इन दिस रिगार्ड आर मेड बाय द लोकल मेडिकल. और इंस्ट्रक्शंस और रिपोर्ट जो की जाएंगी वो की जाएंगी लोकल मेडिकल के द्वारा. मेडिकल के द्वारा, लोकल मेडिकल जो भी ऑफिसर है उसके द्वारा और चीफ हेल्थ ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर के द्वारा. ठीक है. तीसरा, प्रायर परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी फॉर इम्पोजिंग बैन. इसके अंदर प्रायर परमिशन स्टेट गवर्नमेंट का नेसेसरी है इम्पोज करने के लिए बैन. चौथा, इफ द अबव फार्मिंग वॉज गोइंग कंटिन्यूसली फॉर एट लास्ट 5 years के लिए, देन द कंसर्न पर्सन विल गिव डैमेज. कंसर्न पर्सन को डैमेज देंगे फॉर इट बैंड. यूजिंग ऑफेंसिव मैनर. इसके अंदर क्या होगा कि एक फाइन लगाया जाएगा 1,000 से 2,000 तक का इम्पोज किया जाएगा ऑफेंसिव मैनर के अंदर कर रहा है तो. प्लेइंग एनी गेम एंड कोजिंग अनोयंस. प्लेइंग कर रहा है कोई भी गेम म्यूनसिपलिटी के अंदर, म्यूनसिपलिटी कैन प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट कर सकते हैं काइट फ्लाइंग को, काइट फ्लाइंग को एंड फायर स्पोर्ट्स को, विच विल कोज करेगा इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस टू नेबर्स. दूसरा, कंटेम्प्ट कैन बी फाइंड ऑफ 100 रुपये से 500 रुपये तक का कंटेम्प्ट लगाया जाएगा. प्रोहिबिटेशन ऑफ अदर नोशंस. ठीक है. केयरिंग कर रहे हैं मीट, मीट फिल्थ विदाउट कवर ओपन डिफेक्शन कलेक्टिंग एनिमल और कैटल, बुरियल ऑफ डेड बॉडी एक्सेप्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड प्लेस, प्लेस के अंदर, और इरेक्शन ऑफ ग्रेव्स, म्यूजियम्स, मोन्यूमेंट्स इन एडिशन टू डेजिग्नेटेड प्लेसेस, लिविंग करेंगे एनिमल्स को एट लूज एंड कोज करेंगे डेंजर, और फियर टू अदर पर्सन्स विल बी कंसिडर्ड किया जाएगा और उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा 1,000 से 2,000 रुपये तक का वॉयलेट अगर करता है तो. अब कंजम्पशन ऑफ स्मोक. इफ एनी वर्क
प्रोड्यूस करता है स्मोक को, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर टू एलिमिनेट करेगा स्मोक को और वोलेट करेगा, रेट्रैक्ट करेगा, फ़ाइन 1,000 से 2,000 तक का, फ़ाइन करेगा 2,000 से 5,000 तक का इम्पोज किया जाएगा सेकेंड ऑफेंस। दिस रूल विल नॉट अप्लाई रेलवे और रोड रिपेयर व्हीकल्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। कंजप्शन ऑफ स्मोक, इफ़ वर्क प्रोड्यूस करता है स्मोक, उसका काम अगर प्रोड्यूस करता है स्मोक को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर टू एलिमिनेट करेगा स्मोक को, एलिमिनेट करेगा स्मोक को। दूसरा, वॉयलेशन कैन अट्रैक्ट कर सकता फाइन 1,000 से 2,000 तक का और फाइन ऑफ 2,000 से 5,000 तक का और फाइन 2,000 से 5,000 तक का इम्पोज किया जा सकता है सेकेंड ऑफेंस में। और ये रूल अप्लाई नहीं होता है रेलवे के ऊपर और रोड रिपेयर के ऊपर, रोड रिपेयर व्हीकल के ऊपर। डिसोबीडियंस टू इंडिविजुअल नोटिस ऑन गोइंग, सो द म्यूनसिपलिटी विल डू डिजायर वर्क इन द नोटिस एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द म्यूनसिपलिटी विल बी रिकवर्ड कर लिए जाएंगे। वॉयलेशन विल बी फाइंड अप टू RS 2,000 एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग वॉयलेशन ए फाइन ऑफ 50 rupees पर डे विल बी चार्ज की जाएंगी। तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे कि कोई ऑन गोइंग है, ऑन डूइंग सो द म्यूनसिपलिटी विल डू डिजायर्ड वर्क इन द नोटिस, म्यूनसिपल डू करेगी डिजायर्ड वर्क जो कि नोटिस के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। और एक्सपेंसेस जो भी इनकर्ड होते हैं, बाय म्यूनसिपलिटी वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर वॉयलेटर्स विल बी फाइंड अप टू 2,000 और वॉयलेटर्स के ऊपर फाइन किया जाएगा 2,000 rupees तक का, ठीक है। इन केस ऑफ कंटिन्यूस वॉयलेशन फाइन किए जाएंगे 50 rupees पर डे चार्ज किए जाएंगे। डिसोबीडियंस टू पब्लिक नोटिस, इफ नोटिस इज इशूड इन जनरल टू द जनरल पब्लिक इट इज फॉलोड बाई एनी पर्सन ए फाइन अप टू 5,000 तक का इम्पोज किया जाएगा इन केस ऑफ कंटिन्यू वॉयलेशन और फाइन अप टू 50 rupees से 100 rupees तक का इम्पोज किया जाएगा। म्यूनसिपलिटी में एग्जीक्यूट करेगा एनी वर्क इन डिफॉल्टर बाई ओनर और ऑक्यूपायर और रिकवर करेगा कॉस्ट देयर ऑफ। इन म्यूनसिपलिटी एक्सपेक्ट एनी वर्क फ्रॉम पर्सन ही डज नॉट परफॉर्म द वर्क, द म्यूनसिपलिटी itself can get work 110% cost to is recovered. The minimum recovery will be done 1,000. If the municipality enters into agreement with any person for drainage, water conservation, etc., recovery can be made in this regard or 15% may also be added. In case of non-payment by the owner, recovery can be made from tenant or occupier who is authorized to recover from it the owner. Occupier in default of owner may be execute karega work and defaulter expenses from rents and occupier will be able to recover karega from the owner after making payments to the municipality. The amount can also be deducted from the rent. Proceedings if any occupier jo ki अपोज करता है एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्ट, द रिकवरी मे बी ऑर्डर्ड बाय द मजिस्ट्रेट फ्रॉम द ओनर एंड फ्रॉम द ऑक्यूपायर फॉर नॉन पेमेंट इवन आफ्टर 8 days, ए फाइन ऑफ RS 1,000 से 2,000 पर डे विल बी ऑल्सो भी इम्पोज किए जाएंगे, नो अदर फाइन्स विल बी इम्पोज ड्यूरिंग दिस पीरियड। पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग पर्सन एम्प्लॉयड बाई म्यूनसिपलिटी, ए फाइन रेंजिंग जो कि 2,000 से 5,000 तक का रेंज होता है इम्पोज किया जाता है और पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट करेगा कल्प्रेट को। पेनल्टी फॉर ब्रीचेज ऑफ एक्ट एंड रूल्स बाई लॉ नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड किए जाएंगे, ठीक है। अब डिसोबीडियंस इन पब्लिक नोटिस, डिसोबीडियंस पब्लिक नोटिस को,
तो इफ द नोटिस इज इशूड इन जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के अंदर अगर नोटिस इशू किया जाता है जो कि नोट फॉलोड नहीं किया जाता किसी पर्सन के द्वारा, अप टू 5,000 कैन बी इम्पोज इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग वायलेशन ए फाइन ऑफ 500 to 1,000 कैन बी इम्पोज. म्यूनसिपलिटी मे एग्जीक्यूट एनी वर्क इन डिफॉल्ट बाय ओनर और ऑक्यूपायर रिकवर करेगा कॉस्ट दे रहे हो इफ अगर म्यूनसिपलिटी एक्सपेक्ट करती है एनी वर्क फ्रॉम पर्सन एंड डज नॉट परफॉर्म दैट वर्क और परफॉर्म नहीं करता उस वर्क को, देन म्यूनसिपलिटी इट सेल्फ कैन गेट दैट वर्क डन. तो म्यूनसिपलिटी खुद उस काम को करेगी और उसके बदले में उसे 110% रुपये कॉस्ट रिकवर करेगी. कितना रिकवर करेगी? 110% रुपये रिकॉस्ट रिकवर करेगी. और द मिनिमम रिकवरी विल बी Rs. 1,000 और जिसके अंदर मिनिमम रिकवरी होगी 1,000 रुपये. इफ अगर म्यूनसिपलिटी मिनिमम रिकवरी 1,000 रुपये होगी और म्यूनसिपलिटी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट, अगर म्यूनसिपलिटी एग्रीमेंट के अंदर एंटर होती है विद एनी पर्सन फॉर ड्रेनेज और वाटर कनेक्शन के लिए, फॉर ड्रेनेज और वाटर कनेक्शन के लिए, देन रिकवरी कैन बी मेड इन दिस रिगार्ड ऑल्सो. तो रिकवरी भी की जाएगी इस रिगार्ड के अंदर. इन केस ऑफ नॉन पेमेंट एन इंटरेस्ट ऑफ 15% एन इंटरेस्ट ऑफ 15% में भी एडेड किए जाएंगे, ठीक है. और इन केस ऑफ नॉन पेमेंट द ओनर रिकवरी कैन बी मेड फ्रॉम टेनेंट और ऑक्यूपायर. इन केस ऑफ नॉन पेमेंट के अंदर 15% में भी एड किए जाएंगे. एंड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट बाय द ओनर रिकवरी कैन बी मेड फ्रॉम टेनेंट और ऑक्यूपायर से लिए जाएंगे रुपए, ऑथराइज रिकवर करेंगे. ऑक्यूपायर डिफॉल्ट ओनर में भी एग्जीक्यूट करेगा वर्क्स और डिडक्ट करेगा एक्सपेंसेस फ्रॉम द रेंट्स, ठीक है. द ऑक्यूपायर विल बी एबल टू रिकवर will be able to recover from owner and making payment to the municipality. This amount can also be deducted from rent. और ये amount deducted किया जाएगा rent से, from the rent proceedings if any occupier oppose करता execution of the act. Recovery may be ordered by the magistrate from the owner or from the occupier. For non-payment even after 8 days के बाद में. और फाइन इसके अंदर लगाया जाएगा 1,000 से 2,000 रुपये तक का पर डे लगाया जाएगा, ध्यान रखना, इम्पोज किया जाएगा. और नो अदर फाइन्स विल बी इम्पोज ड्यूरिंग दिस पीरियड, नो अदर फाइन्स विल बी इम्पोज ड्यूरिंग दिस पीरियड. Penalty for obstructing person and employed by municipality. A fine ranging, एक fine जो कि range कर रहा है 2,000 से 5,000 तक का can be imposed, उसको impose किया जा सकता है. और दूसरा police officer can arrest कर सकता है culprit को.
कैन अरेस्ट द कल्प्रेट. पेनल्टी फॉर ब्रीचिंग एन ऑफ एक्ट रूल्स और बाय लॉ नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड. कि इफ देर इज नो प्रोविजन, अगर कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है ऑफ पनिशमेंट का, पनिशमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है फॉर वोलेशन, वोलेशन ऑफ लॉ, और जिसके अंदर फाइन लगाएंगे अपन 2,000 से 5,000 तक का जो कि इम्पोज किया जाएगा. ठीक है. एंट्री फॉर पर्पज ऑफ एक्ट, एंट्री जो कि अलाउड है ओनली बिटवीन सनराइज एंड सनसेट. इट इज़ मैंडेटरी टू गिव नोटिस बिफोर 24 आवर्स ऑफ ऑक्यूपेंट्स एंड सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए विल बी टेकन केयर ऑफ. प्रिवेंशन एंड इंस्पेक्शन, म्यूनसिपल म्यूनसिपल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और म्यूनसिपल ऑफिसर कैन एंटर करेगा एनी बिल्डिंग विदाउट नोटिस. इफ एनी वर्क इज बींग डन वोलेशन ऑफ द लॉ एंड सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस विल बी टेकन केयर ऑफ. अ पावर ऑफ अफेक्टिंग एंट्री, लुक डोर्स कैन बी अपोज किए जा सकते हैं. डिटर्मिनेशन एंड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस, इफ अदरवाइज नॉट पॉसिबल द डायरेक्टर सेल्फ फिक्स करेगा कंपनसेशन बाय द ऑफिसर एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय द लोकल बॉडी. और एग्रीव्ड पार्टी कैन ब्रिंग कर सकती है सूट इन द कोर्ट. और कंपनसेशन फॉर लैंड एंड विल बी डिटरमाइंड किया जाएगा अंडर द लैंड एक्ट 1894 के अंदर. कॉस्ट और एक्सपेंसेस हाउ डिटरमाइंड किए जाएंगे और रिकॉर्ड किए जाएंगे. द अमाउंट विल बी डिसाइडेड बाय द म्यूनसिपल्टी एंड विल बी रिकॉर्ड किए जाएंगे टैक्स के द्वारा. फॉर्मेशन ऑफ स्टेट म्यूनसिपल्टीज यूनियन और फंक्शंस, इफ मोर देन 50% म्यूनसिपल्टीज पास करते हैं रेजोल्यूशन इन दिस रिगार्ड देन एन एसोसिएशन नेम्ड राजस्थान स्टेट म्यूनसिपल बोर्ड जो कि फॉर्म किया जाएगा. इट विल बी एग्जामिन करेगा कलेक्टिव इंटरेस्ट और प्रॉब्लम्स को और डिसमिनेट करेगा इन्फॉर्मेशन इस रिगार्ड के अंदर और गिव करेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस को और सजेस्ट करेगा रिफॉर्म्स इन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसोसिएशन एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव अकाउंट करेगा ऑडिटिंग और फंडिंग के अंदर. विल बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑन ओनली म्यूनसिपल प्रेसिडेंट्स विल बी एबल टू पार्टिसिपेट करेगा इन द यूनियन के अंदर. इफ देर इज नो प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर द वोलेशन ऑफ द लॉ और फाइन किया जाएगा 2,000 से 5,000 रुपये तक का इम्पोज किया जाएगा. ठीक है. अब एंट्री पर्पज ऑफ एक्ट, एंट्री फॉर पर्पज ऑफ एक्ट क्या है, इसके अंदर क्या है कि एंट्री अलाउड की जाएगी बिटवीन, कहाँ से, बिटवीन सनराइज और सनसेट के बीच में. और इट इज़ मैंडेटरी टू गिव नोटिस बिफोर 24 आवर्स. नोटिस देने का टू ऑक्यूपेंट सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस विल बी टेकन केयर ऑफ. प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन, म्यूनसिपल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेडिकल ऑफिसर एंट्री कर सकते हैं कैन एंटर एनी बिल्डिंग विदाउट नोटिस एंटर कर सकते हैं कोई सी बिल्डिंग के अंदर. इफ एनी वर्क इज बीइंग डन वोलेशन ऑफ द लॉ सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस विल बी टेकन केयर ऑफ. अगर कोई भी वर्क किया जाता है बीइंग डन और वोलेशन ऑफ द लॉ तो सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस कैन बी टेकर केयर ऑफ, उसको केयर किया जाएगा. अब पावर ऑफ अफेक्टिंग एंट्री, एंट्री को अफेक्ट करने का, लुक्स और डोर्स एटसेट्रा कैन बी ओपन किए जा सकते हैं. अब डिटर्मिनेशन एंड कंपनसेशन ऑफ सर्टेन केसेस के अंदर में डिटर्मिनेशन और कंपनसेशन, इट इफ अदरवाइज नॉट पॉसिबल द डायरेक्टर सेल फिक्स द कंपनसेशन बाय द ऑफिसर प्रिस्क्राइब्ड बाय द लोकल बॉडी
by the officer prescribed by the local body or aggrieved party can bring suits in the court or aggrieved party bring karega suits in the court ke andar और कंपनसेशन फॉर लैंड विल बी डिटरमाइंड अंडर और कंपनसेशन ऑफ लैंड डिटरमाइन किया जाएगा अपने को अंडर लैंड एक्ट 1894 के अंदर कॉस्ट और एक्सपेंसेस हाउ डिटरमाइन किए जाएंगे और रिकॉर्ड किए जाएंगे कैसे द अमाउंट विल बी डिसाइडेड बाय द म्यूनसिपैलिटी एंड विल बी रिकॉर्ड लाइक टैक्स अमाउंट डिसाइड किया जाएगा डिसाइडेड किया गया म्यूनसिपैलिटी के द्वारा और रिकॉर्ड करेंगे लाइक टैक्स जैसे कि टैक्स की तरह फॉर्मेशन ऑफ स्टेट म्यूनसिपैलिटीज यूनियन एंड इट्स फंक्शंस इफ मोर देन 50% म्यूनसिपैलिटीज पास करती हैं रेजोल्यूशन In this regard, then association named as Rajasthan State Board, Rajasthan State Board can be formed. And it will examine karega collective interest problems. Examine karega collective interest problems. और डिसेमिनेट करेगा ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड नेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड गिव करेगा अबव इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशन और गिव करेगा इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशन सजेस्ट करेगा रिफॉर्म्स को म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसोसिएशन एम और ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फंडिंग एटसेट्रा करेंगे एंड विल बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट और विल बी डिटरमाइंड किए जाएंगे बाय गवर्नमेंट के द्वारा ओनली म्यूनसिपल प्रेसिडेंट विल बी एबल टू पार्टिसिपेट करेगा इन द यूनियन यूनियन के अंदर पेनल्टी जो कि डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इम्प्रिजनमेंट अप टू एक साल तक का फाइन किया जाएगा 5,000 से 10,000 तक का इम्प्रिजनमेंट दो साल तक का और 10,000 से 20,000 तक का रिलेटेड ऑफेंसेस किए जाएंगे पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस देर विल बी पनिशमेंट लाइक क्रिमिनल पनिशमेंट फॉर अबेटर पनिशमेंट लाइक क्रिमिनल की तरह अबेटर का पावर टू इरेज राइटिंग एटसेट्रा और इसके अंदर म्यूनसिपल ऑफिसर विल बी एबल टू टेक करेगा अप्रोप्रिएट स्टेप्स पावर टू कंपाउंड ऑफेंस फाइन किया जाएगा इम्पोज इन लियू ऑफ जेल के अंदर इंडेमिनिटी नो पेनल्टी विल बी इम्पोज फॉर वर्क डन इन गुड फेथ एंड पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर चैप्टर टू ओवरराइड अदर लॉज चैप्टर विल बी सुप्रीम होगा डेफिनेशंस डिफेसमेंट प्रॉपर्टी पब्लिक प्लेस पब्लिक सीन राइटिंग इन सबकी डेफिनेशंस हैं अब पेनल्टी ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है तो इसके अंदर इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा एक साल तक का और फाइन लगाया जाएगा उसके ऊपर 5,000 से 10,000 तक का और इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा दो साल तक का एंड फाइन लगाया जाएगा इसके ऊपर 10,000 से 20,000 तक का ठीक है अब 297B पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट कमिट करेगा ऑफेंस विल बी पनिशमेंट लाइक क्रिमिनल पनिशमेंट
लाइक ए क्रिमिनल. पनिशमेंट फॉर अ बेटर, देर विल बी पनिशमेंट लाइक द क्रिमिनल. देर विल बी पनिशमेंट लाइक द क्रिमिनल. पावर टू इरेज राइटिंग्स को इरेज करने की, म्यूनसिपल ऑफिसर विल बी एबल टू टेक करेगा अप्रोप्रिएट स्टेप्स. पावर टू कंपाउंड ऑफेंस, ऑफेंस को कंपाउंड करने के लिए, इसके अंदर फाइन कैन बी इम्पोज्ड इन ल्यू ऑफ जेल. इंडेमनिटी, नो पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड फॉर वर्क डन इन द गुड फेथ. कोई भी पेनल्टी नहीं की जाएगी गुड फेथ के अंदर और इन पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर. चैप्टर टू ओवरराइड अदर लॉज, दिस चैप्टर विल बी सुप्रीम. दिस चैप्टर विल बी सुप्रीम होगा ओवरराइड अदर लॉज के लिए. डेफिनेशंस इसके अंदर दी गई है 297H के अंदर. इसके अंदर दी गई है डिफेसमेंट की डेफिनेशन, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, पब्लिक प्लेस की डेफिनेशन, पब्लिक सीन की डेफिनेशन और राइटिंग की डेफिनेशन. अब लाइसेंसिंग, मार्केट, स्लॉटर हाउसेस और सर्टेन बिजनेसेस के अंदर, द अबव वर्क्स कैन नॉट बी डन विदाउट परमिशन, के बिना नहीं हो सकते ये काम. और अबव एक्टिविटीज़ कैन बी डन ओनली डेजिग्नेटेड प्लेस के ऊपर ही होगा ये सब काम. और अगर कोई वॉयलेशन करता है तो वो अट्रैक्ट करता है फाइन को 1,000 से 2,000 रुपये तक का. ऑन कंटिन्यूइंग अगर वॉयलेशन करता है तो 50 से 100 रुपये तक का फाइन लगता है उसके ऊपर. एंड कैन बी इम्पोज पर डे, और हर दिन उसके ऊपर लगेगा ये. म्यूनसिपलिटी कैंसिल कर सकती है परमिशन और लाइसेंस को. और अगेंस्ट एन अपील कैन बी मेड कर की जा सकती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर विद इन 30 डेज के अंदर. ओपनिंग क्लोजिंग और लेटिंग ऑफ मार्केट्स और स्लॉटर हाउसेज, द म्यूनसिपलिटी कैन ओपन अबव प्लेसेज और रेंट कर सकती है, रेंट स्टॉल देयर एंड कैन ऑल्सो सेल इट. जनरली लीजी इशू करता है थ्रू ऑक्शन के थ्रू फॉर पीरियड ऑफ 1 साल के लिए और मोर के लिए. इफ अ पर्सन यूजेज करता है अबव प्लेसेस को विदाउट ऑब्टेनिंग प्लेसेस फ्रॉम द म्यूनसिपल्टी, फाइन लगाया जाएगा उसके ऊपर 1,000 से 2,000 रुपये तक का. अब स्लॉटर हाउसेज बियॉन्ड म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर, म्यूनसिपल कैन ओपन कर सकते हैं स्लॉटर हाउसेज आउटसाइड द लिमिट्स एंड परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. सच प्लेसेस शैल बी डीम्ड किए जाएंगे टू बी सिचुएटेड इन द म्यूनसिपल्टी. ओपनिंग ऑफ न्यू स्लॉटर हाउसेज, पब्लिक कन्वीनियंस के लिए विल बी टेकन केयर एंड पब्लिक ऑब्जेक्शंस विल बी कंसिडर्ड की जाएंगी. पावर विच मे बी एक्सरसाइज फॉर प्रिवेंटिंग डेंजरस डिजीज के लिए, हेड ऑफ फैमिली एंड द ओनर ऑफ बिजनेस एंड द डॉक्टर विल इन्फॉर्म करेगा अबाउट डेंजरस डिजीज को टू द म्यूनसिपल्टी विदाउट एनी डिले. ठीक है. दूसरा, इसके अंदर म्यूनसिपल्टी सेल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेगा प्रिवेंट करने के लिए स्प्रेड ऑफ डिजीज. इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज एंड वाटर रिसोर्सेज इट इज यूज टू यू इट विल इट यू यूज विल बी स्टॉप्स. इन्फेक्टेड पर्सन विल बी केप्ट सेपरेट एंड बिल्डिंग ओनर विल बी इंस्ट्रक्टेड टू कीपिंग बिल्डिंग क्लीन ऑन हिज कॉस्ट. If the infected person may be stayed in the hotel के अंदर stay होता है तो. ठीक है. अब license, market और slaughter houses के, तो इसके अंदर अपन ने देखेंगे कि सबसे पहले अपन ने देखा कि the above work cannot be done without permission, permission के बिना ये काम हो ही नहीं सकता है. दूसरा, इसके अंदर above activities can only be done और एक designated place के ऊपर ही होगा, डेजिग्नेटेड प्लेस के ऊपर ही होगा. तीसरा, इसके अंदर वॉयलेशन कैन अट्रैक्ट कर सकता है 1,000 से 2,000 तक का फाइन इसके अंदर अगर कोई वॉयलेट करता है तो उसको. तो ऑन कंटिन्यू अगर कंटिन्यू करता है वो वॉयलेशन तो 50 से 100 रुपये पर डे का उसके ऊपर फाइन लग सकता है. ठीक है. अब म्यूनसिपल्टी कैन कैंसिल परमिशन और लाइसेंस, म्यूनसिपल्टी जो है लाइसेंस और परमिशन को कैंसिल कर सकती है. ठीक है. एंड अगेंस्ट विच अपील कैन बी मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा अपील की जा सकती है विद इन 30 डेज के अंदर.
ओपनिंग क्लोजिंग एंड लेटिंग ऑफ मार्केट्स एंड स्लॉटर हाउसेस। ठीक है, इसके अंदर तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि म्यूनसिपलिटी कैन ओपन अबव प्लेसेस, म्यूनसिपलिटी कैन ओपन द अबव प्लेसेस रेंट ए स्टॉल देयर एंड कैन ऑल्सो सेल इट, और उसको सेल भी कर सकता है। ठीक है, जनरली लीज आर इशूड थ्रू ऑक्शन, जनरली लीज जो है इशूड की जाती हैं ऑक्शन के थ्रू, ऑक्शन के थ्रू फॉर पीरियड ऑफ वन ईयर, वन ईयर के पीरियड के लिए और या फिर उससे ज़्यादा के लिए। ठीक है, इफ अ पर्सन, अगर कोई आदमी यूज करता है अबव प्लेसेस विदाउट ऑब्टेनिंग ए प्लेस फ्रॉम द म्यूनसिपलिटी एंड, तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा 1,000 से 2,000 तक का, उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। स्लॉटर हाउसेस एक्सेट्रा बियॉन्ड म्यूनसिपल लिमिट्स के। ठीक है, अब म्यूनसिपलिटी, म्यूनसिपल कैन ओपन करेगा स्लॉटर हाउसेस आउटसाइड देयर लिमिट्स, आउटसाइड देयर लिमिट्स विद द परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। दो, सच प्लेसेस शैल बी डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन द म्यूनसिपलिटी, ऐसे प्लेसेस सिचुएटेड होंगे किसके अंदर, म्यूनसिपलिटी के अंदर। ओपनिंग ऑफ न्यू स्लॉटर हाउसेस, पब्लिक कन्वीनियंस विल बी टेकन केयर एंड पब्लिक एंड ऑब्जेक्शंस विल बी कंसिडर्ड। पब्लिक कन्वीनियंस विल बी टेकन केयर और पब्लिक ऑब्जेक्शंस कंसिडर्ड किए जाएंगे। पावर विच मे बी एक्सरसाइज बाय प्रिवेंटिंग डेंजरस डिजीज को प्रिवेंट करके, द हेड ऑफ फैमिली एंड द ओनर ऑफ बिजनेस और डॉक्टर विल इन्फॉर्म करेंगे अबाउट डेंजरस डिजीज, जो हेड ऑफ फैमिली होगा और ओनर होगा बिजनेस का, वो इन्फॉर्म करेंगे अबाउट द डेंजरस डिजीज, और डॉक्टर जो होगा वो डेंजरस डिजीज के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे म्यूनसिपल्टी को, म्यूनसिपल्टी को कैसे विदाउट एनी डिले। अब म्यूनसिपल्टी सेल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स, और म्यूनसिपल्टी फिर क्या करेगी, अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेगी, स्टेप्स लेगी प्रिवेंट करने के लिए इसके स्प्रेड को, स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए इसे अप्रोप्रिएट स्टेप लेगी। फिर इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज, अगर पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है स्प्रेड होने की डिजीज की, तो वाटर रिसोर्सेज, तो वाटर रिसोर्सेज को स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, और इन्फेक्टेड पर्सन जो भी होगा, इन्फेक्टेड पर्सन उसको सेपरेट किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा, और इन्फेक्टेड पर्सन को सेपरेट किया जाएगा। बिल्डिंग ओनर विल बी इंस्ट्रक्टेड टू कीप बिल्डिंग क्लीन ऑन हिज कॉस्ट, और बिल्डिंग का जो ओनर होगा उसको बताया जाएगा कि भाई बिल्डिंग को वो अलग रख, कीप रखे, क्लीन रखे उसकी खुद की कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, एंड और इफ़ एनी इन्फेक्टेड पर्सन स्टेड इन द होटल, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्टेड हुआ है होटल के अंदर तो, या फिर धर्मशाला के अंदर, तो कैन बी क्लोज, उसको क्लोज कर दिया जाएगा पब्लिक यूज के लिए, पब्लिक यूज के लिए, इट इज़ डिसइन्फेक्टेड। ठीक है, और फिल्दी हर्ट्स, और जो कि शेड्स होंगी विच इज इन्फेक्टेड पर्सन लिविंग में, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा एंड प्रायर परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, प्रायर परमिशन मजिस्ट्रेट के साथ में ही इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। द म्यूनसिपलिटी विल प्रोवाइड करेगी व्हीकल फॉर फ्री ट्रांसपोर्टेशन, पेशेंट के फ्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल प्रोवाइड करेगी, इसका मूवमेंट पब्लिक व्हीकल्स एंड प्लेसेस में भी रेस्ट्रिक्टेड किए जाएंगे। अरेंजमेंट्स विल बी मेड एंड डिसइन्फेक्टेड पर्सन और क्लोथ्स एक्सेट्रा के ऊपर। इफ एनी पर्सन हार्म्ड होता है अबव वर्क के लिए, कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा उसको, या फाइन ऑफ 2,000 से 5,000 तक का इम्पोज किया जाएगा ऑब्स्ट्रक्टिंग अबव वर्क्स के लिए, एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन गिव एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट उसको।
ठीक है। अब स्पेशल पावर्स विच मे कन्फर्म्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और रेस्पेक्ट टू ओवर क्राउडेड एरियाज नोटिफाइड कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज इन एन एरिया ड्यू टू द ओवर क्राउडिंग द स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफाई करती है दैट एरिया को। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बिल्डिंग एट्सेट्रा नोट प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट नहीं किए गए हैं, नोट पॉसिबल नहीं है क्लीन करने के लिए, सेवरेज सिस्टम ड्रेनेज के लिए, और इट इज़ नॉट पॉसिबल रोड और नैरो और क्लोज। द म्यूनसिपलिटी गिव करती है नोटिस टू द ओनर ऑफ बिल्डिंग एंड आस्क करती हिम टू रिमूव द कंस्ट्रक्शन, प्रिवेंट करती है यूज के लिए। सच कंस्ट्रक्शन में भी रिमूव किए जाते हैं बाय द म्यूनसिपलिटी के द्वारा। म्यूनसिपलिटी में टेक करती है पोजिशन ऑफ सच प्लेसेस के लिए। कंपनसेशन विल बी गिवन टू द ओनर एंड बिल्डिंग इफ इट इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द नॉर्म्स के लिए। बरियल और बरियल ग्राउंड्स के लिए म्यूनसिपलिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ क्रिएशन ग्राउंड्स के लिए। पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ बुरियल और बर्निंग प्लेसेस के लिए क्रिमिनेटोरियम्स और ग्रेवयार्ड्स कैन नॉट बी बिल्ट, वो बिल्ट नहीं किए जाएंगे विदाउट परमिशन, परमिशन के बिना उसको बिल्ट नहीं किया जा सकता। उनको बिल्ड नहीं किया जा सकता विदाउट परमिशन। और म्यूनसिपलिटी कीप करेगा व्यू की पब्लिक हेल्थ के ऊपर ध्यान रखे, और म्यूनसिपलिटी क्लोज करेगा अबव मेंशन प्लेसेस को, और वॉयलेटर कैन बी 1,000 से 2,000 तक का फाइन लगाएंगे, और अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द म्यूनसिपलिटी और कलेक्टर 30 डेज के अंदर, और कलेक्टर का डिसीजन इसके अंदर फाइनल होगा। रेगुलेशंस टू रिमूव कॉर्पोरेट्स रूट्स कैरिंग द डेड बॉडी और कैन बी फिक्स्ड, और कंटेम्प्ट फाइन किया जाएगा 1,000 से 2,000 तक का, ठीक है। अब स्पेशल पावर्स विच मे बी कन्फर्म्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ओवर द ओवर क्राउडेड एरियाज नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो ओवर क्राउडेड एरिया नोटिफाइड किया गया है। इससे पहले अपन देख लेते हैं धर्मशाला रो आलम, तो उसके अंदर 7वां पॉइंट था कि जैसे कि फिल्दी हार्ट्स है और सेड्स हैं, उनको अगर उनके अंदर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, पर विद द प्रायर परमिशन ऑफ अपने मजिस्ट्रेट साहब की, ठीक है। 8वां है कि म्यूनसिपलिटी विल प्रोवाइड करेगी व्हीकल, म्यूनसिपलिटी व्हीकल प्रोवाइड करेगी फ्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। और हिज मूवमेंट इन पब्लिक व्हीकल्स के अंदर इसका मूवमेंट व्हीकल्स के अंदर प्लेसेस के अंदर रेस्ट्रिक्टेड किए जाएंगे। अरेंजमेंट्स विल बी मेड डिसइंफेक्टेड व्हीकल्स के अंदर अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, और क्लोथ्स अरेंजमेंट ऑफ क्लोथ्स एट्सेट्रा का। इफ एनी पर्सन इज हार्म्ड बाय द अबव तो नो कंपनसेशन विल बी गिवन, को अगर कोई हार्म होता है इसके अंदर, तो कोई कि भाई लेके जा रहा है या फिर लेके आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और 11 के अनुरूप एफ फाइन 2,000 से 5,000 तक का अगर फाइन लगाया जाएगा विल बी इम्पोज ऑब्स्ट्रक्टिंग अबव वर्क, अगर वो पहले काम को कोई मना करता है तो उसके लिए 2,000 से 5,000 तक का फाइन लगाया जाएगा ऑब्स्ट्रक्टिंग अबव वर्क। और स्टेट गवर्नमेंट गिव कर सकती है एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन दे सकती है इसके अंदर। अब स्पेशल पावर्स ये हैं इसके अंदर कि इफ अगर कोई देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, स्प्रेड ऑफ डिजीज़ की पॉसिबिलिटी है इन एनी एरिया और कोई भी एरिया का, तो उस एरिया को क्या कर दिया जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई बिल्डिंग है नॉट प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड, जो कि कंस्ट्रक्टेड नहीं किया गया प्रॉपरली, नॉट पॉसिबल टू क्लीन और पॉसिबल नहीं है उसको क्लीन करना, सीवरेज ड्रेनेज एट्सेट्रा नॉट पॉसिबल, और रोड इज नैरो और क्लोज, रोड बहुत नैरो है और क्लोज्ड है उसको, ठीक है। और द म्यूनसिपलिटी कैन गिव नोटिस टू द ओनर ऑफ बिल्डिंग और आस्क कर सकती हिम टू रिमूव कंस्ट्रक्शन एंड प्रिवेंट यूज, ठीक है। म्यूनसिपलिटी इसके अंदर गिव कर सकती है नोटिस टू द ओनर
और बिल्डिंग और आस्क कर सकती है, आस्क हिम टू रिमूव कंस्ट्रक्शन, रिमूव कर सकती है कंस्ट्रक्शन को और प्रिवेंट कर सकती है यूज को। ठीक है, अब इसके अंदर चार, सच कंस्ट्रक्शंस मे बी रिमूव्ड बाय म्युनिसिपैलिटी, सच कंस्ट्रक्शन रिमूव किए जाएंगे म्युनिसिपैलिटी के द्वारा। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी मे टेक पोजीशन ऑफ सच प्लेसेस, म्युनिसिपैलिटी टेक करेगा पोजीशन ऑफ सच प्लेसेस। कंपनसेशन विल बी गिवन टू द ओनर ऑफ द बिल्डिंग एंड इफ इट इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द नॉर्म्स, कंपनसेशन अगर दिया जाएगा तो अगर उसने नॉर्म्स के हिसाब से अगर बिल्डिंग बनाई थी तो। बुरियल और बुरियल ग्राउंड्स, ए म्यूनसिपल्टी, म्यूनसिपल्टी क्या करेगी, म्यूनसिपल्टी विल बी रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ क्रिमिनेशन ग्राउंड्स के लिए एटसेट्रा। पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ बुरियल एंड बर्निंग प्लेसेस, पावर किसके पास में, देख क्रिमिनेशन और ग्रेवयार्ड कैन नॉट बी बिल्ड विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के ये बिल्ड किए ही नहीं जा सकते म्यूनसिपल्टी की, और परमिशन भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि म्यूनसिपल्टी है। कीपिंग इन व्यू पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ एंड म्यूनसिपल्टी कैन क्लोज कर सकती है अबव मेंशनड को, इनको अगर चाहे तो पब्लिक हेल्थ को नज़र रखते हुए और म्यूनसिपल्टी को नज़र रखते हुए क्लोज कर सकती है प्लेसेस को। और अगर कोई अगर ऐसा वॉयलेशन करता है वॉयलेटर, उसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा 1,000 से 2,000 तक का फाइन। ठीक है, एन अपील कैन बी मेड अगेंस्ट म्यूनसिपल्टी, म्यूनसिपल्टी के अगेंस्ट में अपील की जा सकती है और कलेक्टर विद इन 30 डेज के अंदर, एंड कलेक्टर डिसीजन उसके अंदर फाइनल होगा, अपील की जा सकती है कलेक्टर के और कलेक्टर का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा इसके अंदर। रेगुलेशन ऑफ रिमूवल कोप्स, ठीक है, अगर कोई रूट है वो कैरी करता है डेड बॉडी कैन बी फिक्स्ड, और वो फिक्स्ड होगा, और अगर कोई ऐसा कंटेम्प्ट करता है तो उसको 1,000 से 2,000 तक का फाइन लगाया जाएगा। अ पावर टू लाइसेंस फ्यूल शॉप्स और बर्निंग शॉप्स, म्यूनसिपल्टी कैन ग्रांट कर सकती है लाइसेंस ऑफ फॉर अबव अ पर्सन के लिए प्रोहिबिटेड फॉर सेलिंग करने के लिए फ्यूल और देर इज एरिया ऑफ 300 मीटर के अंदर में। क्रिमिनेशन ग्राउंड होगी, म्यूनसिपल्टी कैन फिक्स कर सकती है सेल रेट्स को, लाइसेंस कैन बी कैंसल किया जा सकता है डिसोबेइंग रूल्स के लिए और फाइन लगाया जा सकता है 1,000 से 2,000 रुपये तक का। पावर टू कोज कोप्स टू बी बरिड और बर्नड विद इन 24 आवर्स, म्यूनसिपल्टी विल करेगा अरेंजमेंट्स और बर्न करेगा और बरी करेगा सच डेड बॉडीज को, और रिलीजियस रिचुअल्स फॉलोड किए जाएंगे, एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाएंगे म्यूनसिपल्टी के द्वारा इन दिस रिगार्ड एंड रिकवरेबल हो गए फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डिजीज पर्सन के। रिमूवल और कारकेसियस ऑफ डेड एनिमल्स इन म्यूनसिपल एरिया के अंदर, म्यूनसिपल्टी विल डिसाइड करेगा प्लेसेस रिगार्डिंग द अबव और एनिमल्स कीपर ऑक्यूपायर ऑफ लैंड विच डेड बॉडी ऑफ एनिमल फाउंड होगा, एंड सेल टेक करेगा एनिमल डेजिग्नेटेड प्लेस के अंदर। इधर इन अदर केसेज इट विल बी रिस्पॉन्सिबल होगा म्यूनसिपल्टी के लिए रिमूव करना डेड बॉडी विद इन 24 आवर्स के अंदर। इफ देर इज ए प्लेस नॉट इज स्पेसिफाइड डेड बॉडी विल बी टेकन 2 किलोमीटर्स अवे पॉपुलेशन से, और म्यूनसिपल्टी चार्ज कर सकता है फी को इस रिगार्ड के अंदर 1,000 से 2,000 तक का। कैन बी चार्ज फ्रॉम द वॉयलेटर, पेनल्टी फॉर एक्ट डन बाय पर्सन और जो कि सफरिंग कर रहे हैं सर्टेन डिसऑर्डर के अंदर। इन्फेक्टेड पर्सन सेल नॉट एंगेज होगा फूड प्रोसेसिंग के अंदर और प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन के अंदर, और टचिंग ड्रग्स प्रिपेयर करेगा अदर पर्सन, और लॉन्ड्री शूज चोस और वॉयलेटर ऑफ द फाइन 1,000 से 2,000 तक का। रेगुलेशंस ऑफ सर्टेन ट्रेडर्स, म्यूनसिपल्टी कैन टेक कर सकता है रूल्स और मेड कर सकता है बिजनेस रिलेटेड एनिमल्स और रिमेन बॉडीज पार्ट्स के लिए और सेल ऑफ फिश और मीट, सोप मेकिंग डाइंग और बिजनेस पोल्ट्री ब्रिक्स, स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल्स, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स एंड ऑक्यूपाइज फॉल और स्मॉल कर सकते हैं, स्मोक कम्स आउट ऑफ द चीज़ों के अंदर।
अमाउंट ऑफ द म्यूनसिपलिटी। तो इसके अंदर अपन देख लेते हैं जैसे कि पावर ऑफ लाइसेंस फ्यूल शॉप्स और बर्निंग ग्राउंड्स की, ठीक है, किन को देते हैं पावर। तो इसके अंदर क्या होगा कि म्यूनसिपलिटी ग्रांट कर सकती है लाइसेंस फॉर अबव परमिशन के लिए, अबव चीज़ों के लिए, और अदर पर्सन्स में भी प्रोहिबिटेड, और अदर पर्सन्स को प्रोहिबिटेड करती है सेलिंग करने के लिए फ्यूल 300 मीटर एरिया तक भी, ठीक है, और क्रिमिनेशन ग्राउंड्स तक। दूसरा, म्यूनसिपलिटी फिक्स कर सकती है, फिक्स द सेल रेट्स को, सेल रेट्स को फिक्स कर सकती है। तीसरा, लाइसेंस कैन बी कैंसल्ड और डिसोबेड द रूल्स, अगर लाइसेंस कैंसल्ड कर दिया जाएगा अगर वो रूल्स को डिसोबे करता है तो, एंड फाइन इम्पोज किया जाएगा 1,000 से 2,000 तक का। पावर टू कोज कॉर्प्स टू बी बरीड और बर्नड, ठीक है। अब विद इन 24 आवर्स द म्यूनसिपलिटी विल टेक अरेंजमेंट्स, 24 आवर्स के अंदर म्यूनसिपलिटी क्या करेगी, अरेंजमेंट्स करेगी। अनबर्न और बरी, बर्न और बरी करेगी ऐसी डेड बॉडीज को। दूसरा, रिलीजियस रिचुअल्स फॉलोड किए जाएंगे, रिलीजियस रिचुअल फॉलो किए जाएंगे। तीसरा, एक्सपेंसेस जो कि इनकर्ड किए जाते हैं म्यूनसिपलिटी के द्वारा इन दिस रिगार्ड विल बी रिकवरेबल फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डिजीज पर्सन। एक्सपेंसेस जो कि इनकर्ड किए जाते हैं म्यूनसिपलिटी के द्वारा इस रिगार्ड के अंदर वो रिकवरेबल होगा फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डिजीज पर्सन। रिमूवल ऑफ केयरलेस और डेड बॉडी और एनिमल म्यूनसिपल एरिया के अंदर, म्यूनसिपलिटी विल डिसाइड करेगी प्लेसेस रिगार्डिंग द अबव, म्यूनसिपलिटी डिसाइड करेगी कौन से एरिया पे हो रहा है ऐसा काम, ठीक है। और द एनिमल कीपर, एनिमल कीपर और ऑक्यूपायर जो होगा वो लेड करेगा ऑफ द लैंड विच द डेड बॉडी इज फाउंड, डेड बॉडी ऑफ एनिमल इज फाउंड, डेड बॉडी फाउंडर ने सेल टेक एनिमल टू डेजिग्नेटेड प्लेस, और उस एनिमल को डेजिग्नेटेड प्लेस के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। इन अदर केसेस इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर केसेस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑफ द म्यूनसिपलिटी, म्यूनसिपलिटी रिमूव करेगी डेड बॉडीज को, डेड बॉडी को रिमूव करेगी विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर। और इफ़ द प्लेसेज इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर प्लेसेज स्पेसिफाइड नहीं है, द डेड बॉडी विल बी टेकन 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है। पांचवा, इसके अंदर की म्यूनसिपलिटी कैन चार्ज कर सकती है, म्यूनसिपलिटी चार्ज कर सकती है फी इस रिगार्ड के अंदर, और फाइन भी लगा सकती है 1,000 से 2,000 तक का, एंड कैन बी चार्ज वॉयलेटर अगर कोई करता है तो। पेनल्टी एक्ट डन एनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम द सर्टेन डिसऑर्डर्स से पेनल्टी लगाई जाएगी। इन्फेक्टेड पर्सन शैल नॉट एंगेज इन फूड प्रोसेसिंग, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो एंगेज नहीं होगा फूड के अंदर प्रोसेसिंग के अंदर, फूड प्रोसेसिंग के अंदर, और प्रिपरेशन करेगा मेडिसिंस का। टचिंग ड्रग्स एंड प्रिपेयर करेगा अदर पर्सन्स की लॉन्ड्री चोर्स को। वॉयलेटर विल फाइन करेगा, फाइन फ्रॉम 1,000 से 1,000 से 2,000 तक का फाइन लगाएगा वॉयलेटर। अब रेगुलेशन ऑफ सर्टेन ट्रेडर्स, म्यूनसिपलिटी कैन मेक रूल्स, इसके अंदर म्यूनसिपलिटी रूल्स बनाएगा मेड फॉर बिजनेस रिलेटेड, टू एनिमल, रिमेन बॉडी पार्ट्स
एंड सेल ऑफ फिश और मीट। दूसरा सोप मेकिंग, डाइंग, बिजनेस ऑफ पोट्री, ब्रिक्स एटसेट्रा, स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल, स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स और अदर ऑक्यूपेशंस ऑफ फॉल स्मेल और स्मोक एटसेट्रा कम्स आउट द म्युनिसिपैलिटी में ऑर्डर कर सकती है क्लोजर ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ सच प्लेसेस, ऐसे प्लेसेस का क्लोजर का वो अनाउंस कर सकती है। फिर इफ अबव बिजनेसेस आर बीइंग रन ऑन कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर दे विल नॉट बी क्लोज विदाउट मेकिंग अरेंजमेंट्स ऑफ लाइवलीहुड। वॉयलेटर्स कैन बी फाइंड किया जा सकता है 2,000 से 5,000 तक का और फॉर कंटिन्यूइंग द वॉयलेशन अगर 100 रुपये पर डे का फाइन लगाएंगे। डूइंग बिजनेसेस एक्सेस वॉयलेशन ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड किया जाएगा म्यूनसिपलिटी द्वारा विल अट्रैक्ट करेगा फाइन 1,000 से 2,000 तक का। फॉर द कंटिन्यूइंग वॉयलेशन अगर करता है तो 100 रुपये से 500 रुपये तक का उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा और कंप्लेंट विल बी मेड की जाएगी एग्रीव्ड पर्सन के अगेंस्ट में और कलेक्टर के ऊपर अगेंस्ट वो कलेक्टर विद इन 30 डेज के अंदर एग्रीव्ड पर्सन का और डिसीजन कलेक्टर का फाइनल होगा यहाँ पे। अब यूज ऑफ सायरन समनिंग एंड डिसमिंग द वर्कमैन का, सायरन कैन नॉट बी विदाउट परमिशन के बाद म्यूनसिपलिटी कैन विड्रॉ कर सकती है परमिशन ग्रांटेड जो कि गिविंग के अधीन नोटिस के द्वारा 1 मंथ का देके। वॉयलेशन अगर करेगा तो 2,000 से 5,000 तक का फाइन लगेगा। सर्विस ऑफ नोटिस एड्रेस किया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा, नोटिस जो कि डिलीवर्ड किया जाता है पर्सन हुज नेम इन नोटिस इशू किया गया है, इफ अ पर्सन इज नॉट फाउंड द नोटिस विल बी गिवन टू द सर्वेंट ऑफ हाउस एंड एल्डर एडल्ट्स को फैमिली मेंबर्स को। इफ अ पर्सन आउटसाइड द म्युनिसिपल लिमिट्स द नोटिस इज सेंड किया जाएगा रजिस्टर्ड पोस्ट के ऊपर एंड इफ अ पर्सन रिफ्यूजेस टू टेक नोटिस एंड नोटिस विल बी पास्ड ऑन द बिल्डिंग, इफ नॉट पॉसिबल टू सर्व द नोटिस शैल बी पोस्टेड किया जाएगा पब्लिक नोटिस के ऊपर और म्यूनसिपल ऑफिस के अंदर। ठीक है, तो म्यूनसिपलिटी इसके अंदर क्या होगा, क्लोजर ऑल्टरनेटिव सरप्लेसेज। इफ अबव बिजनेस आर बीइंग रन कॉटेज इंडस्ट्रीज, आर बीइंग रन किए जाएंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर, दे विल नॉट क्लोज विदाउट मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर लाइवलीहुड, और वो क्लोज नहीं किए जाएंगे जब तक कि उनके लिए अरेंजमेंट नहीं किया जाता उनकी लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, वॉयलेटर कैन फाइंड किया जाएगा, वॉयलेटर जो भी होगा उसको फाइंड किया जाएगा 2,000 से 5,000 तक का। ठीक है, फॉर कंटिन्यूइंग वॉयलेशन अगर वो कंटिन्यू करता है वॉयलेशन तो उसके ऊपर 100 रुपये पर डे का फाइन लगाएंगे डूइंग बिजनेस एक्सेसेस के लिए। फिर आता है वॉयलेशन ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड किया जाएगा म्यूनसिपलिटी के द्वारा और विल अट्रैक्ट करेगा फाइन, उसका फाइन उसके ऊपर लगेगा 1,000 से 2,000 तक का। एंड फॉर कंटिन्यूइंग वॉयलेशन अगर वो कंटिन्यू करता है वॉयलेशन का तो उसके ऊपर 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का फाइन लगाया जाएगा। आठवा कंप्लेंट विल बी मेड बाय द अग्रीव्ड पर्सन फॉर टू कलेक्टर विद इन 30 डेज, कंप्लेंट की जाएगी अग्रीव्ड पर्सन के द्वारा कलेक्टर के पास में 30 दिन के अंदर अंदर और जो भी डिसीजन होगा कलेक्टर का वो फाइनल होगा। यूज ऑफ सायरन, अब जैसे कि सायरन है, सायरन बिना परमिशन के कोई भी नहीं लगा सकता है। दूसरा म्यूनसिपलिटी विड्रॉ कर सकती है परमिशन ग्रांटेड बाय गिविंग नोटिस ऑफ 1 मंथ, नोटिस देकर 1 मंथ का। तीसरा वॉयलेशन विल अट्रैक्ट करेगा 2,000 से 5,000 तक का। ठीक है, अब नोटिस शैल बी डिलीवर्ड किया जाएगा पर्सन को इन हुज नेम नोटिस इज इशूड, और नोटिस उसको डिलीवर्ड किया जाएगा उस पर्सन को जिसके नाम पर वो इशू हुआ है। ठीक है, इफ अ पर्सन इज नॉट फाउंड, अगर पर्सन फाउंड नहीं होता है तो नोटिस विल बी गिवन टू द सर्वेंट, नोटिस सर्वेंट को दिया जाएगा।
ठीक है, सर्वेंट ऑफ हाउस या फिर एल्डर कोई भी एडल्ट है उसको दिया जाएगा, एडल्ट फैमिली मेंबर है। इफ ए पर्सन इज आउटसाइड म्युनिसिपल लिमिट, अगर आउटसाइड है म्युनिसिपल लिमिट के, तो नोटिस विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड पोर्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट के ऊपर सेंड किया जाएगा। ठीक है, पर्सन अगर रिफ्यूज करता है टेक द नोटिस टू टेक द नोटिस, द नोटिस विल बी पेस्टेड ऑन हिज बिल्डिंग, पेस्टेड किया जाएगा ऑन हिज बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सर्व द नोटिस, अगर ये पॉसिबल नहीं है कि सर्व करना नोटिस को, तो द नोटिस शैल बी पोस्टेड ऑन पब्लिक नोटिस, तो पब्लिक नोटिस के ऊपर पोस्टेड किया जाएगा बाय द इन द म्युनिसिपल ऑफिस। म्युनिसिपल ऑफिस के अंदर,